Hello, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And in the last part, what we have done, we have already covered the entire revision of SEBI Act. SEBI Act हम पूर्ण तरह कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम LODR regulation, SEBI LODR regulation, जैसे कि SEBI Act के section 30 में हमने देखा, जैसे कि SEBI Act के section 30 में हमने देखा that SEBI has a part to make regulation, तो उसके तहत SEBI ने regulations बनाए बहुत सारे, उनमें से एक regulation है SEBI LODR regulation. तो उस रेगुलेशन के यहां पर है, तुम्हारा उद्देश्य है कि हम पूरा सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कंप्लीट कर लेंगे क्विक रिवीजन फॉर्म में, जैसे हमने पार्ट ए के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया है सेबी एक्ट के लिए, और उसके बाद में हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के एंड वी विल बी रैपिंग अप दिस चैप्टर इन एंटायरिटी. क्लियर है यारों? चलिए, यस पीपल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट एलओडीआर. एलओडीआर बहुत ही बढ़िया रेगुलेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एलओडीआर एक्चुअली तो बहुत ही डिटेल्ड रेगुलेशन है, जो लॉयर्स काम करते हैं फॉर अ लिस्टेड कंपनी या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली काम करते हैं फॉर लिस्टेड कंपनी, उनका ब्रेड एंड बटर है एलओडीआर. एलओडीआर में इतना कुछ है, बट आपके लेवल पे उन्होंने पूरा एलओडीआर नहीं दिया, उन्होंने एलओडीआर का 1% दिया, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है एलओडीआर का, राइट? सो फोकस 100% हियर. आपको एलओडीआर के बारे में क्या पता होना चाहिए 100% हियर. एलओडीआर के टॉपिक को हम डिवाइड करते हैं इस तरह से कि एलओडीआर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, अगर ये सब दिमाग में बैठ गया तो एलओडीआर कंप्लीट हो चुका है. एलओडीआर के चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर, एलओडीआर का एम क्या है, एप्लीकेबिलिटी एलओडीआर किस किस पे अप्लाई करता है, देन कम्स की फीचर्स ऑफ एलओडीआर. ये एक एग्जॉस्टिव से पॉइंट है यहां पे, की फीचर्स ऑफ एलओडीआर, एलओडीआर के की फीचर्स क्या है. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है पूरा कि आपकी कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए एलओडीआर के हिसाब से. ब्यूटीफुल पॉइंट. फिर आता है क्वार्टरली कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर, सुपर इजी. फिर आता है ईयरली कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर, के एलओडीआर के तहत आपको एवरी क्वार्टर एंड में क्या क्या करना होता है एक लिस्टेड कंपनी को, एलओडीआर के तहत एवरी ईयर एंड पे क्या करना होता है एक लिस्टेड कंपनी को. देन कम्स प्रायर इंटीमेशन अंडर एलओडीआर, के एलओडीआर के अंदर एक कंपनी जब लिस्टेड कंपनी बन चुकी है उसको किन किन चीजों के बारे में पहले से स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है. जब हम अनलिस्टेड थे तब ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती थी, जैसे ही लिस्टेड हुए हैं नाउ वी हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. तो वो यहां पे दिया प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कमिटीज, अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, के एलओडीआर के तहत कौन कौन सी कमिटीज फॉर्म करनी है, उनका कंपोजिशन मीटिंग कैसे होगा. आप लोगों ने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के 178 में पढ़ाई मीटिंग्स के बारे में, वहीं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करेंगे फॉर लिस्टेड कंपनीज. नेक्स्ट इज रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, फिर अंत के आसपास आ जाते हैं रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर के. एक हर एक लिस्टेड कंपनी को, हर एक लिस्टेड कंपनी को एक सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है एज कंप्लायंस ऑफिसर. तो वो सीएस क्या करता है. नेक्स्ट इज मिसलिनियस में दो चीजें पढ़ेंगे हम. पहला कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, के लिस्टेड एंटिटी की कॉमन ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं. एंड द लास्ट वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी, कि अगर एक कंपनी लिस्टेड हो गई है तो उसकी सब्सिडरी को लेके क्या एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस आ जाते हैं. बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान. क्लियर है? चलो कल के सेशन के एंड में एक 34A के ऊपर एक क्वेरी थी, तो जैसे ये पूरा सेशन कंप्लीट फिर 34A को मैं डिस्कस कर लूंगा. क्लियर यारो? चलो 34A ऑफ सेबी एक्ट पे सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट द एंटायर एलओडीआर रेगुलेशन. चलिए, तो हमारा टारगेट ये सब ही पढ़ना है. मॉड्यूल का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा हिला डुला सा है, इतना सही तरीके से नहीं है, तो वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस. हमें 1-1-1-1-1-1-1 by 1 ये सारे टॉपिक्स रैप अप करने. वंस ऑल ऑफ दीस टॉपिक्स आर डन एलओडीआर इज सॉर्टेड फ्रॉम योर एंड. चलिए, तो द फर्स्ट टॉपिक इज एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर. तो आखिर एलओडीआर का एम क्या है और एप्लीकेबिलिटी क्या है? बहुत आसान चीज, एलओडीआर का एम है टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन. टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन होता क्या था यारों, कि एलओडीआर आने के पहले हर एक लिस्टेड कंपनी, अगर किसी के भी साथ में, अगर आज मान लीजिए अनलिस्टेड कंपनी है, मान लीजिए वो लिस्टेड होना चाहती है, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज से अग्रीमेंट करना होता था. मान लीजिए आई एम रिलायंस, रिलायंस अभी तक लिस्टेड नहीं है, नाउ इट वॉन्ट्स टू गेट लिस्टेड, तो उनको एनएससी के साथ में अग्रीमेंट करना पड़ेगा, बीएससी के साथ में अग्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर वो किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होना चाहते हैं तो उसके साथ में भी अग्रीमेंट करना पड़ेगा. एंड दैट वॉज नोन एज लिस्टिंग अग्रीमेंट. और ये लिस्टिंग अग्रीमेंट हर एक स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग हुआ करते थे. सो देयरफॉर नो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी. अलग 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 लिस्टिंग अग्रीमेंट, अलग अलग कंडीशंस. लिस्टिंग अग्रीमेंट में होता क्या था, लिस्टिंग अग्रीमेंट में ये होता था कि जब हम लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद में हमारे ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस आने वाले हैं. वंस विल बी लिस्टेड व्हाट ऑल वुड बी द एडिशनल कंप्लायंसेस एप्लीकेबल ऑन अस, व्हाट ऑल आर गोइंग टू बी द एडिशनल कंप्लायंसेस एप्लीकेबल ऑन अस वंस यू बिकम लिस्टेड कंपनी, दैट वॉज गिवन इन द लिस्टिंग अग्रीमेंट. सो देन
गवर्नमेंट डिसाइडेड, सेबी डिसाइडेड कि यार ये तो हर एक कंपनी को बार बार एंटर करना पड़ता है और हर एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ एंटर करना पड़ता है। तो यहां पे लिस्टिंग अग्रीमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, लिस्टिंग अग्रीमेंट में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्लॉजेस होते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, उन सारे क्लॉजेस को इकट्ठा करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। अगर वो क्लॉजेस कभी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो उन सबको कॉन्ट्रडिक्शन हटाते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं एंड लेट्स मेक अ रेगुलेशन ऑन दैट। तो जो लिस्टिंग अग्रीमेंट में कंप्लायंस लिखा करते थे उन सबके ऊपर एक रेगुलेशन बना दिया। तो अब जब एक कंपनी कभी भी लिस्ट होती है तो उसको लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन अभी भी करना होता है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा क्लॉजेस नहीं होते कि जो जो कंडीशंस स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनीज के ऊपर इंपोज करना चाहते थे थ्रू लिस्टिंग अग्रीमेंट, उन सबके लिए एक रेगुलेशन बन गया एंड दैट इज सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस रेगुलेशन? द एम ऑफ दिस रेगुलेशन इज टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन टू एंश्योर कि सारे जो लिस्टिंग अग्रीमेंट के क्लॉजेस है वो एक जगह कंसोलिडेट हो जाए और वो अलाइन हो जाए, कॉन्ट्रडिक्शन में ना रहे। सो द एम इज टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन? देखेंगे ध्यान से, दीज रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल ऑन एवरी लिस्टेड एंटिटी। क्या लिखा है? नॉट जस्ट लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड एंटिटी। वर्ड यूज किया लिस्टेड एंटिटी, कोई भी लिस्टेड एंटिटी जिनकी इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट पॉइंट एनी अदर सिक्योरिटीज, इन सिक्स में से कोई सी भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, तो कोई भी एक एंटिटी जिसकी इन सिक्स में से कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है उस पर एलओडीआर अप्लाई करेगा। तो ये एप्लीकेबिलिटी क्लॉज ऐसा कहता है दैट एलओडीआर इज एप्लीकेबल ऑन एवरी लिस्टेड एंटिटी जिनका इन छह में से कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है। क्या छह? पहला पॉइंट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मेन बोर्ड और एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर डिस्कस किया है कि आप जो आसपास देखते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, दिस इज ऑल मेन बोर्ड। इसके अलावा एसएमई एक्सचेंज भी होता है जहां पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच हैज बीन नाउ रिप्लेस्ड विद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, और उसका एक अलग ही फंक्शनिंग चलता है। राइट तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जनरली एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोग ट्रेड करते हैं मेन बोर्ड पे, सो यू थिंक मेन बोर्ड इज ऑल अबाउट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल अबाउट मेन बोर्ड, बट स्टॉक एक्सचेंज इज वे मोर देन दैट। बट कीपिंग इट ऑल अपार्ट, अगर आपकी सिक्योरिटीज मेन बोर्ड पे या फिर एसएमई एक्सचेंज पे या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी लिस्टेड है तो आपके ऊपर एलओडीआर रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर आपके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, non-convertible debt securities listed hai, non-convertible preference share listed hai, कैसे redeemable, या फिर perpetual debt instrument listed hai, या perpetual preference shares listed hai, perpetual preference shares कैसे non-cumulative, तो भी आपके ऊपर LODR applicable हो जाएगा। सुनना इस point को अच्छे से, non-convertible debt securities listed hai, ठीक है, non-convertible preference shares कैसे redeemable listed hai, तो भी आपके ऊपर LODR applicable है। Perpetual debt securities listed है, तो भी LODR, and perpetual preferences कैसे non-cumulative। वापस एक बार बोलता हूं मैं, non-convertible debt securities listed है, LODR apply होगा, non-convertible preferential listed है, LODR apply करेगा, लेकिन non-convertible preferences कैसे होनी चाहिए, redeemable, okay। Perpetual debt securities listed है, perpetual preferential listed है, तो भी LODR apply करेगा, लेकिन perpetual preference shares कैसे होने चाहिए, perpetual preference shares होने चाहिए non-cumulative। Next is Indian depository receipts, अगर IDR भी अगर आपने issue किए हैं और IDR भी listed है तो भी आपके ऊपर LODR apply करेगा। Next is securitized debt instrument, a wonderful concept of securitization, उसके तहत अगर आपने securitized debt instrument भी issue किए हैं तो भी आपके ऊपर LODR apply करेगा। एक नया पॉइंट आया है यहां पे, सिक्योरिटी रिसीट, ये पॉइंट पहले नहीं हुआ करता था। तो अगर सिक्योरिटी रिसीट्स भी आपने इश्यू किए हैं और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो भी आप एलओडीआर अप्लाई करेगा, एंड यूनिट्स इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो लिस्टेड है तो भी आप एलओडीआर अप्लाई करेगा। दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर। तो व्हाट हैव वी रेड, एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर। एम क्या है? टू कंसोलिडेट एंड टू स्ट्रीमलाइन। एंड व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी? एप्लीकेबिलिटी इज इफ एट ऑल लिस्टेड एंटिटी की इनमें से कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो उस पे एलओडीआर अप्लाई करेगा, और इनमें से कोई सी का मतलब हो गया एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, या फिर अभी आप उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो। नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अभी तक आपके मॉड्यूल में वो चेंजेस नहीं आए हैं, तो जैसे ही वो चेंजेस आएंगे तब वो बन जाएगा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। उसके बाद में हो गया नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बट कैसे रिडीमेबल, परपेचुअल डेट सिक्योरिटीज, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे नॉन क्यूमुलेटिव।
ओके सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटाइज सिक्योरिटी रिसीट्स बोल दो, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड बोल दो, आईडीआर बोल दो, इनमें से कोई भी आपकी सिक्योरिटी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आपके ऊपर एलओडीआर अप्लाई करेगा। तो एम एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर इज हियर। वापस जाता हूं मैं फर्स्ट शीट पे, फोकस करना, मुझे फर्स्ट शीट पे जाना बहुत पसंद है। ये जो पूरी शीट है इसमें हम ये पढ़ चुके हैं, तो एलओडीआर कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ अजी ये पढ़ना है बस। So once we are done with all of this, then we are all sorted with LODR regulation का revision. चलिए, the next thing is key features of LODR. थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, key features of LODR के अंदर कुछ points जो बहुत खास तरीके से आपको पढ़ने हैं। आ जाओ, key features of LODR. Yes people. की फीचर्स ऑफ एलओडीआर, सबसे पहला फोकस करना अच्छे से, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ एलओडीआर में आता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए समझना। सबसे पहला पॉइंट, इट हैज टू बी एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या बोलते हैं ये लोग कि लिस्टेड कंपनीज पे देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कि आपका एक ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए। सर ऑप्टिमम मतलब क्या? बोले आइडियल मिक्स, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले, 50% टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कि लिस्टेड कंपनी में 50% डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर आप 50% से ज्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, लेकिन कम से कम 50% तो होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो एटलीस्ट 50% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाँ सर, ये समझ में आता है। आप ऐसा बोलते हो ना ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए, इसका मतलब तो हमें डिस्क्रिशन दे दिया। डिस्क्रिशन हमें एज ए स्टूडेंट मजा नहीं आता है, एज अ कंपनी जब आप काम करेंगे ना तब आपको ये पसंद आएगा, ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको क्या पसंद है, लिमिट्स दे दो सर क्लियर। तो यहां पर देख लीजिए, लिमिट इज 50% have to be non-executive director. Done. At least one women director. तो ये basic composition बता रहे हैं, हर एक listed company के अंदर 50% should be non-executive directors. There has to be one woman director. अब आता है complicated part, 100% focus करना. Independent director कितने होने चाहिए? देखो बेटा जी, आप लोग companies act में क्या पढ़ते हैं? Companies act में आप पढ़ लेते हैं कि listed companies में 1/3 directors to be independent directors. Listed companies में 1/3 directors have to be independent directors. But that is not the case. Understand very carefully. लिस्टेड कंपनीज में कुछ केसेस में 1/3 डायरेक्टर्स होता है, कुछ केसेस में हाफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अब वो केस कैसे डिटरमिन होता है, 100% फोकस करना स्क्रीन पे। इफ एट ऑल इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपकी कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, आपकी कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चेयरमैन, कि आपका चेयरमैन कैसा व्यक्ति है, आपका चेयरमैन कैसा है। इफ योर चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, if your chairman is a non-executive director, then you just have to appoint 1/3 of the total directors as independent director. If the chairman is a non-executive director, then 1/3 of the total directors have to be independent. And if it is otherwise, that you do not have a full-time non-executive director, chairman, aapka chairman full-time non-executive director nahi hai, then half of the total directors have to be independent. I hope you understand. Sabse pehle ye baat clear kar lo. Sarkar, hame bataiye ki kitne independent directors hone chahiye hamari company mein. It depends on aapka chairman kaisa hai. If your chairman is a non-executive director, if your chairman is a non-executive director, in that case you need to appoint just 1/3 of the total directors as independent director. But if your chairman is an executive director, and that is not the case, this is not the case, otherwise case mein aate hain, to otherwise case mein you have to appoint half of the total directors as independent director. ठीक है, तो समझ में आया सर कि हमारा अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ही अपॉइंट करने इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या फिर फर्स्ट केस में फॉलो नहीं करते, हमारे पास फुल टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन नहीं है, देन वील हैव टू अपॉइंट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रुको अभी, अगर आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बट दिस गाय, इफ योर चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट इफ दिस गाय इज प्रमोटर ऑफ द कंपनी और रिलेटेड टू प्रमोटर। आपका जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बट ही इज प्रमोटर ऑफ द कंपनी और रिलेटेड टू प्रमोटर, और ही इज रिलेटेड टू एनी पर्सन इन द सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वन लेवल बिलो द बीओडी। इसमें से किसी भी व्यक्ति से वो रिलेटेड है। वापस बोलता हूं कि हमारा चेयरमैन मान लो नॉन एग्जीक्यूटिव है, जैसे ही चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट कितनी हो जाती है, 1/3 की, 1/3 अपॉइंट करना है। बट अगर आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ना, इफ दिस गाय इज प्रमोटर ऑफ द कंपनी और रिलेटेड टू प्रमोटर और रिलेटेड टू एनी पर्सन इन द सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वन लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें से किसी भी व्यक्ति से वो व्यक्ति रिलेटेड है हमारा चेयरमैन, देन अगेन यू विल हैव टू अपॉइंट हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हैव टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सुनना ध्यान से। सो
क्या कहने की कोशिश कर, मैंने कहा था यही सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर्स में बहुत सारे पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप खुद देखोगे बाकी सब लड्डू है। यही एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अच्छा है कमिटी को लेके, फोकस करो फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से दिल में उतार लेते। पहले सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी एज पर एलओडीआर रेगुलेशन। इसका कहना है देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव, देयरआफ्टर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। फिर आता है सवाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब 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 इफ द चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3, बट इफ इट इज नॉट द केस देन हाफ। फर्दर इफ द चेयरमैन हु इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर और रिलेटेड टू एनी पर्सन इन द सीनियर मैनेजमेंट, स्टिल यू विल हैव टू अपॉइंट हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो thereafter independent directors are not mandatory for section 8 company, section 8 company में independent director mandatory नहीं है, section 8 company non profit company जिस company का उद्देश्य profit नहीं होता है। चलो next is age limit for executive director, it has to be a minimum age of 21 years executive directors के लिए minimum age 21 years के लिए। मैं regular batch में discuss भी किया कि I am not satisfied with it because अब हम जब देख रहे हैं यारों कि लोग यार कहां कहां से school dropout business चालू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं यारों। school dropout पहले तो college dropouts हुआ करते थे, but if you're following the news school dropouts are starting business these days, तो minimum age of 21 years रखना does not make any sense। and further college dropouts की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी age 21 हो, लेकिन law में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है एक लिस्टेड कंपनी का, then your age has to be 21 years, that is the law, but मुझे लगता है कि भविष्य में law change हो जाएगा। चलिए so age limit for executive director is minimum 21 years, no maximum age। Further for non-executive director minimum age is 21 years, 21 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, and the maximum age is 75 years। So for executive director minimum age is 21, that's it। For non-executive director minimum age is 21 years and the maximum age is 75। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को 75 के बाद की भी एज में अपॉइंट करना चाहते हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। So the age limit is what for executive, just the minimum age is 21, for non-executive minimum 21, maximum 75, but still you can appoint a person after attaining the age of 75 years by passing a special resolution। चलिए उसके बाद में वैकेंसी इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी फाइल विद इन 3 months, अगर कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे वैकेंसी है तो यू हैव टू फाइल इट विद इन 3 months। और ये हमारा की फीचर्स का पहला पॉइंट बीओडी वाला खत्म होता है। मुझे हर एक का फोकस यहां पे चाहिए। बीओडी के पॉइंट में क्या पढ़ा, सबसे पहली बात हमने पढ़ी दैट देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 50% हैव टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वन वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए। अगर हमारा चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इफ योर चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देन वी नीड टू हैव 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इफ अदरवाइज इज द केस then half then sorry if our chairman is a non-executive director 1/3 is the case, if otherwise then half of the directors to be independent directors। further if the chairman who's a non-executive director if he is promoter related to promoter or related to senior management, then still your company will have to appoint half of the total directors as independent director। फिर हमने पढ़ा कि सेक्शन 8 कंपनी पे इंडिपेंडेंट की लिमिट नहीं आती है, अगर कभी वैकेंसी तो 3 months के अंदर अपॉइंट करना होता है। अब हमने पढ़ा उसके बाद में एज लिमिट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम एज ऑफ 21 इयर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 75, इवन आफ्टर 75 यू कैन अपॉइंट अ पर्सन इफ एट ऑल यू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। चल उसके बाद में की फीचर्स में दूसरे पॉइंट आने लग जाते हैं। सेकंड बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में लिस्टेड कंपनी पे कुछ नई चीज नहीं है, जो नॉर्मल कंपनी से कहता है दैट यू हैव टू कंडक्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर एंड द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स कैन बी 120 डेज, बहुत आसान। फिर अच्छी चीज आती है थर्ड पॉइंट में, मेंबरशिप ऑफ कमिटी, ये अच्छे सुनिएगा, 10 और 5 का क्या लिमिट है। मेंबरशिप ऑफ कमिटी, अ डायरेक्टर हुज अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी की बात करें, लिस्टेड कंपनी में जो डायरेक्टर है, दिस पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर, दिस पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ मैक्सिमम 10 कमिटीज, जो कमिटी बनती है ना आपकी, उनमें मैक्सिमम 10 कमिटीज का ये मेंबर बन सकता है। पहली लिमिट समझ में आनी चाहिए आपकी, लिमिट ऑन मेंबरशिप ऑफ अ कमिटी। सो लिस्टेड कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है। पहली बात क्लियर है, ये 10 कमिटीज का जो मेंबर है, ये 10 कंपनीज की बात करें, ये लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी होगी, लिस्टेड अनलिस्टेड किसी भी प्रकार की कंपनी में 10 कमिटीज में मैक्सिमम ये व्यक्ति मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो पहला लिमिट ऑन मेंबरशिप, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके ऊपर ये लिमिट आ जाती है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप पे लिमिट आ गई कि आप मैक्सिमम 10 कंपनीज के ही, किसी भी 10 कमिटीज के मेंबर हो सकते हो। फर्दर आप उसमें चेयरमैन भी बनना चाहते हो तो मैक्सिमम 5 कमिटीज के आप चेयरमैन हो सकते हो, तो आप मैक्सिमम 10 कमिटीज के मेंबर हो सकते हो और उनमें से 5 कमिटीज के आप चेयरमैन हो सकते हो। एक बहुत स्पेशल पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है आपको, दैट यहां पे लिमिट सिर्फ 2 कमिटीज की बात करता है, 1 इज ऑडिट कमिटी, 2 इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, 1 इज
ऑडिट कमिटी, सेकंड इज स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी. सिर्फ इन दो कमिटीज की लिमिट है, इसके अलावा बाकी कमिटीज में आप मेंबर बन सकते हो. इन दो कमिटीज की मेंबरशिप पे लिमिट है 10 और 5 की. दैट यू कैन बी अ मेंबर ऑफ मैक्सिमम 10 कमिटीज, सच ऑडिट कमिटी या फिर स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी. ईच नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल आई एम डायरेक्टर, आई एम मेंबर ऑफ 4 ऑडिट कमिटी एंड 6 स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. हो गई मेरी लिमिट एग्जॉस्ट, अब मैं एक भी और कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता. एंड आई कैन बी अ चेयरमैन ऑफ मैक्सिमम 5 ऑफ सच कमिटीज. चल उसके बाद में क्या आता है, फॉर्म अ इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिट कमिटी. आपको एक इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड ऑडिट कमिटी बनानी होती है, और ऑडिट कमिटी के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं कमिटी अंडर एलओडीआर में. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटिंग टू सब्सिडरी कंपनी, ये हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटिंग टू सब्सिडरी कंपनी, सुनना ध्यान से, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मिसलिनियस में. मिसलिनियस में एक टॉपिक रखा है मैंने कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स. सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी. तो एलओडीआर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स देता है, कुछ मैंडेटरी, कुछ ऑप्शनल भी देता है कि कंपनीज का चॉइस है, और कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के तहत कहा है कि एक लिस्टेड कंपनी को सब्सिडरी के साथ में कैसा रिलेशन रखना होता है, तो उस पे टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. मिसलिनियस में एक टॉपिक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आपके मॉड्यूल में देखोगे दो जगह दिया है, एक यहां पे दिया है और एक वहां पे अलग से टॉपिक में दिया है, तो हम वहीं पे पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है. ओके चलिए उसके बाद में देखें डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन. हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस यहां पे. तो ये हमने देखा बोर्ड मीटिंग हो गया, ये कमिटी की जो मैं आपको लिमिट बता रहा था 10 और 5, मैक्सिमम 10 कंपनीज एंड 5 कंपनीज में आप चेयरमैन हो सकते हो. फिर हमने पढ़ा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्सिडरी, हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं. फिर 6 आता है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स, कि आपके लिस्टेड कंपनी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इवेंट्स टू स्टॉक एक्सचेंज. तो ये आपके लिस्टेड कंपनी पे एडिशनल कंप्लायंस आ गया कि जब तक आप लिस्टेड नहीं थे तब तक स्टॉक एक्सचेंज को बताने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आरओसी को बताते रहो, और आरओसी को भी आराम से मस्ती से 30 डेज में बताते थे. बट वंस यू आर अ लिस्टेड कंपनी यू हैव टू इन्फॉर्म ईच एंड एवरीथिंग टू स्टॉक एक्सचेंज एज वेल. तो उसको लेके कुछ पॉइंट्स है, नॉट वेरी ऐसा आइडियलिस्टिक पॉइंट्स. CEO CFO सर्टिफिकेशन फोकस करना है, क्या कह रहे हैं कि आपके आपके CEO CFO को सर्टिफाई करना होता है. 100% फोकस यहां पे क्या लिखा है देखना, मैनेजमेंट बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजे जाते हैं बीओडी के पास. मैनेजमेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेंड्स इट टू बीओडी. तब उसके पहले CFO प्लस CEO इन दोनों ने सर्टिफाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और फिर बीओडी के पास जाने चाहिए कि हमारी नॉलेज के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ट्रू एंड फेयर हैं. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू टू आर नॉलेज, ये सर्टिफाई करते हुए देना है, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे बीओडी के पास. सो मैनेजमेंट हैज टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बीओडी, सर्टिफाई करके देना है उसे CEO एंड CFO को, दैट इज CEO CFO सर्टिफिकेशन. फिर बीओडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में लेके करती है, दैट्स ओके. चल नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेंबर. हर एक कंपनी को कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देनी है सारे मेंबर्स को. ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शुड गेट अ रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि ये एलओडीआर में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं ये सब कंपनीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. Focus. Then comes transparency and disclosure. All the information has to be informed and transparency and disclosure maintain करना होता है. तो उसके अंदर additional point क्या है? मैं आपको quarterly में ही पढ़ाने वाला हूँ, but यहाँ पे लिखा है कि आपको quarterly financial statements बनाने होते हैं. Normal company को year के end में बनाना होता है, but एक listed company को हर quarter के end में financial statements बनाने होते हैं. और उसके अलावा बहुत सारे disclosures देने होते हैं, etc. etc. जो हम quarterly और yearly compliances में देखेंगे. And last is SEBI guidelines on evaluation. कि SEBI के evaluation के ऊपर क्या guidelines है, board के evaluation पे. कि सेबी के अंदर क्या रेगुलेशंस है बोर्ड के इवैल्यूएशन पे. तो उन्होंने यहां पे कुछ चार पॉइंट्स बताए. पहला कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 कहता है एनुअल इवैल्यूएशन बाय बोर्ड ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड ऑफ कमिटीज. के कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 कहता है कि बोर्ड को एनुअली खुद का इवैल्यूएशन करना होता है, डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन करना होता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सेक्शन 178(2) रिक्वायर्स नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी टू आइडेंटिफाई पर्सन टू बी डायरेक्टर्स. तो ये एक सेपरेट पार्ट हो गई कि 178 नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी की बात करता है, उसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमिटी विल बी सर्चिंग फॉर प्रपोज्ड डायरेक्टर्स. नेक्स्ट शेड्यूल 4 जो है कंपनीज एक्ट का वो बात करता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ये तीन जगह है कंपनीज एक्ट में इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड की बात की गई है. तो टॉपिक क्या था कि इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड की डिस्कशन कहां कहां हुआ है प्रोविजंस में, तो इन तीन जगह कंपनीज एक्ट में हुआ है, 134 सबसेक्शन 3, 178 सबसेक्शन 2 एंड शेड्यूल 4. इन जगह पे कंपनीज एक्ट में बात हुआ अबाउट इवैल्यूएशन. शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 178(2) टॉक्स अबाउट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी प्रपोजिंग न्यू डायरेक्टर्स, and 134(3) talks about board evaluating its own performance annually.
एंड लास्ट में आता है एलओडीआर, भी ऐसी बहुत सारी बातें करता है जनरली बोला. एलओडीआर ऑल्सो कवर्स वेरियस केसेस वेर इन द बोर्ड हैज टू इवेल्युएट डू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज. कुछ खास नहीं यहां पे, ठीक है. चलिए तो यहां पे हम लोग, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग यहां पहुंच चुके हैं. सुना ध्यान से, हम लोग एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग की फीचर्स पढ़ लिए. की फीचर्स में आपको ध्यान देना है दो पॉइंट पे खासकर. सारे पॉइंट्स पढ़ने ऑफ कोर्स हमने पढ़े, सारे वाइज किए, लेकिन दो पॉइंट्स पे खासकर ध्यान देना है. फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड द थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द मेंबरशिप ऑफ कमिटी. इस पे खासा ध्यान देना है. तो ये हो गया की फीचर्स, सुपर इजी राइट. उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वार्टरली कंप्लायंसेस एंड ईयरली कंप्लायंसेस. कि एक लिस्टेड कंपनी पे क्या क्या क्वार्टरली कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं. व्हाट आर द क्वार्टरली कंप्लायंसेस एप्लीकेबल फॉर अ लिस्टेड कंपनी. यस पीपल बी हियर, फोकस करो. क्वार्टरली कंप्लायंसेस, यस पीपल, देखो आराम से. ये एक लिस्टेड कंपनी है, ये जो आपको दिख रहा है ना वन टाइम कंप्लायंस, ये क्या है? ये मिसलिनियस में एक टॉपिक पढ़ा है तो उसको मैंने वन टाइम कंप्लायंस की तरह यहां पे लिखा है. 100% फोकस यहां पे. ये एक टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है. यहां पे हमने फाइनेंशियल ईयर पूरा ड्रॉ किया है. अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च. हर एक क्वार्टर एंड पे आपकी कुछ कंप्लायंसेस आते हैं, ईयर एंड पे कुछ कंप्लायंसेस आते हैं, और जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी बनते हैं तब भी कुछ कंप्लायंसेस आते हैं. तो इस टाइमलाइन फॉर्म में हमने उसे पढ़ने की कोशिश की. फोकस 100% दिल में उतर जाएगा. सबसे पहले जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी बने आपको क्या करना है, कुछ वन टाइम कंप्लायंसेस है. क्या? इमीडिएटली ऑन लिस्टिंग, जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी बने अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर. आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है. दिस हैज टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है. तो यू हैव टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. तो जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी बने यू हैव टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, और यू हैव टू स्टार्ट अ शेयर ट्रांसफर का पूरा डिपार्टमेंट इन हाउस. या तो आप इन हाउस एक शेयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट चालू करो या फिर आप एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो. इन दोनों में से एक चीज करनी है लिस्टेड होते ही. तो लिस्टेड होते ही कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो. जैसे ही आप लिस्टेड हुए आप पे कंप्लायंसेस आ जाते हैं. तो कंप्लायंस ऑन बींग अ लिस्टेड कंपनी, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो, ठीक है. हम लोग वी वर कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्वार्टरली एंड ईयरली कंप्लायंसेस. कि एक लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर के एंड में क्या क्या कंप्लाई करना होता है. व्हाट द रिक्वायरमेंट्स ऑन अ लिस्टेड कंपनी, what are the quarterly requirements on a listed company. 100% focus here. There are 5 quarterly compliance requirement on a listed company. focus karna acche se 100%. ye 5 cheeze ek listed company ko har quarter ke end mein karni hai. each and every quarter and these 5 things have to be done. what are these 5 things? sabse pehla इन्वेस्टर ग्रीवेंस का पूरा रिपोर्ट देना है. ये इन्वेस्टर ग्रीवेंस का रिपोर्ट देना होता है विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्वार्टर एंड. तो मान लीजिए अप्रैल में जून, जैसे ही जून खत्म हुआ आपको मई, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बिगिनिंग में जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ उसके 21 डेज के अंदर आपको एक रिपोर्ट देनी है ऑन इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस. इसमें क्या देना है आपको, सुना, जैसे आप फिनिश्ड गुड्स का हिसाब करते थे ना एग्जैक्टली वैसा. फिनिश्ड गुड्स का आप हिसाब कैसे करते हो, ईयर बेसिस पे. ईयर की शुरुआत में फिनिश्ड गुड्स कितने थे हमारे पास, इस ईयर में कितने फिनिश्ड गुड्स खरीदे, इस ईयर में कितने फिनिश्ड गुड्स यूज हो गए, बचेगा कितना फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. एग्जांपल, हमारे पास एसी का बिजनेस है. वी हैड 10,000 एसी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. दिस ईयर वी हैड परचेज 50,000 एसी. दिस ईयर वी हैड सोल्ड 40,000 एसी. तो वी आर लेफ्ट विद बैलेंस ऑफ 20,000 एसी. ऐसा होता है ना, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ, राइट. तो एग्जैक्टली सेम चीज आपको इन्वेस्टर ग्रीवेंस के लिए करनी है एवरी क्वार्टर. कि इस क्वार्टर की शुरुआत में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग थे, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आए हैं, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हुए हैं, और इस क्वार्टर एंड में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग है. आई रिपीट अगेन, इस क्वार्टर की बिगनिंग में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग थे, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आए हैं, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हुए हैं, एंड इस क्वार्टर एंड में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग है. ये आपको हर क्वार्टर एंड में देना विद इन 21 डेज. फॉर लिस्टेड कंपनी दे हैव टू गिव दिस टू स्टॉक एक्सचेंज. सो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस की रिपोर्ट देनी है विद इन 21 डेज ऑफ द क्वार्टर एंड. सेकंड चीज क्वार्टर एंड में क्या करनी है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे नॉर्म्स हमने कंप्लाई किए हैं या नहीं किए. एलओडीआर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स दिए, क्या हमने सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स कंप्लाई किए कि नहीं किए, इसका आपको रिपोर्ट देना है. रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. तो एवरी क्वार्टर के एंड में रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सिक्योरिटीज होल्डिंग आपकी. क्या आपके शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, आपके सिक्योरिटीज कौन होल्ड कर रखा है. ये कभी कभी चेंज होता रहता है ना, ऑफ कोर्स. तो वो आपको हर क्वार्टर एंड में अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न, सिक्योरिटीज होल्डिंग पैटर्न देना है, राइट, विद इन 21 डेज. नेक्स्ट,
फाइनेंशियल रिजल्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये अनलिस्टेड कंपनी है हमारी, उसको साल के एंड में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, वहीं एक लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है. तो इफ एट ऑल यू आर वर्किंग जहां पे आपको लिस्टेड कंपनी का थोड़ा भी काम आता है तो यू नो दिस पॉइंट वेरी थरली. तो हर एक लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर के एंड में फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना अनिवार्य होता है फॉर दैट क्वार्टर एंड ईयर टू डेट. आई होप यू नो व्हाट यू मीन बाय ईयर टू डेट. मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर हुआ तो आपका अप्रैल में जून, तो क्वार्टर एंड में विद इन 45 डेज आपको इस क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ अप्रैल में जून, आपने अप्रैल में जून का दे दिया. नेक्स्ट क्वार्टर एंड हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, नाउ यू हैव टू गिव फॉर दिस क्वार्टर. तो जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ उसके 45 डेज में आपने उस क्वार्टर का दे दिया और साथ में आपको ईयर टू डेट भी देना है, तो आपको 6 मंथ्स का भी देना है. तो सेकेंड क्वार्टर दिया और 6 मंथ्स मतलब ईयर के बिगनिंग से लेकर अभी तक की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी. थर्ड क्वार्टर एंड हुआ जुलाई अगस्त सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर एंड के बाद आपको थर्ड क्वार्टर का 3 महीने के फाइनेंशियल रिजल्ट एंड 9 मंथ्स के टोटल फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देने. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैव टू बी गिवन फॉर एवरी क्वार्टर एंड ईयर टू डेट विद इन 45 डेज. ये 45 डेज का रूल लास्ट क्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं करता है, लास्ट क्वार्टर के लिए आपको 60 डेज मिलता है बिकॉज आपको ईयर टू डेट में साल भर का ही देना होता है ना, इसलिए. तो सिंपल रखो, वन इन्वेस्टर ग्रीवेंस का रिपोर्ट विद इन 21 डेज, रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन 15 डेज, शेयर होल्डिंग पैटर्न सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न विद इन 21 डेज एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको देने क्वार्टर और ईयर टू डेट विद इन 45 डेज. एंड द लास्ट थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन. ये क्या, आपने पब्लिक इशू या किसी भी प्रकार से कोई यूनिट की कुछ भी चीज को इश्यू करके आपने पैसा रेस किया था तो वहां पे आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि इस पैसे को हम इस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, इस पैसे को हम इस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, और एक्चुअली आपने उस पैसे को उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया और थोड़ा भी डेविएट कर दिया इधर से उधर, तो आपको डिस्क्लोज करना है. कभी कभी छोड़ो, हमने उसी बिजनेस के लिए यूज किया है लेकिन जो हमने सब हेड बताया था फॉर एग्जांपल मार्केटिंग सेल्स, वहां पे भी वेरिएशन है कि हमने मार्केटिंग में ज्यादा यूज कर लिया है जो हमने डिस्क्लोज किया था उससे, तो वो भी आपको बताना है. स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, इफ एट ऑल यू यूज द मनी फॉर सम एंटायरली डिफरेंट थिंग वो भी डिस्क्लोज करो, और सेम चीज के लिए यूज किया लेकिन अंदर जो आपका सब डिटेल था उसमें आपने डिफरेंस है, उसमें वेरिएशन है, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है. सो ये 5 चीज हर लिस्टेड कंपनी को एवरी क्वार्टर एंड पे करनी है. I have understanding. क्या? Investor grievances report within 21 days, report on corporate governance within 45 days, shareholding pattern within 21 days, financial results within 45 days, and statement of deviation and variation भी आपको देना है, उसके लिए timeline नहीं दिया हुआ. I hope you're clear. ठीक है? ये हो गया आपका quarterly compliance. दिमाग में बैठ जाना चाहिए. This is your quarterly compliance. Every quarter end पे आपको ये करना है. Then what comes? Then comes your yearly compliance. अब जैसे ही आपका year end होगा, आप पे listed company के तौर पे ये compliance हो जाएंगे. Module में 3 point दिए इसलिए मैंने 3 point लिखे, but practically मेरा मानना है कि ये दोनों एक ही point होते हैं. राइट, व्हाट आर द कंप्लायंसेस? पहले तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आप क्वार्टर बेसिस पे दे रहे हो अब आपको ईयरली बेसिस पे देना है, लेकिन साथ में किसके? ऑडिट रिपोर्ट के. सो अ लिस्टेड कंपनी हैज टू गिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 डेज. तो जैसे ही ईयर एंड हुआ उसके 60 डेज के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट आ जाना चाहिए. तो ईयरली कंप्लायंस में क्या था? ईयरली कंप्लायंस सिर्फ ईयर एंड पे करना है. क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज. नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट कंपनी को एनुअल रिपोर्ट देना है टू ऑल द सिक्योरिटी होल्डर 21 डेज बिफोर द मीटिंग. एनुअल रिपोर्ट आपको अपने सारे सिक्योरिटी होल्डर्स को देना विद इन 21 डेज बिफोर द मीटिंग, और ये एनुअल रिपोर्ट आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना है. ये एनुअल रिपोर्ट आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना है. खत्म हो गई बात. सेकंड पॉइंट क्या है? एनुअल रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू ऑल द सिक्योरिटीज होल्डर व्हेन 21 डेज बिफोर द मीटिंग. 21 डेज बिफोर द मीटिंग, तो जनरली क्या होता है, मीटिंग का नोटिस जाता है ना 21 डेज बिफोर द मीटिंग, उसी के साथ में एनुअल रिपोर्ट भी जाता है. सो कंपनी हैज टू गिव एनुअल रिपोर्ट टू ऑल द सिक्योरिटी होल्डर्स 21 डेज बिफोर द मीटिंग, एंड दिस एनुअल रिपोर्ट आल्सो हैज टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. तो अगर हम ईयरली कंप्लायंस देखें तो प्रैक्टिकली दो ही है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट. फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्लस ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वार्टरली कंप्लायंसेज एंड ईयरली कंप्लायंसेज. समझो अच्छे से मेरी बात को, अच्छे से. जब आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो यहां पे एक बार पॉज कर दो वीडियो को और अकेले बोलने की कोशिश करो कि क्या क्या वन टाइम कंप्लायंसेज थे, कि लिस्टेड होते ही क्या करना है, क्या क्या क्वार्टरली कंप्लायंसेज थे एंड क्या क्या ईयरली कंप्लायंसेज थे. वन टाइम कंप्लायंसेज दो ही थे, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दो, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर दो, इजी. क्वार्टरली कंप्लायंसेज 5 थे कि भाई साहब हमें क्या चाहिए, हमें इन्वेस्टर ग्रीवेंस की रिपोर्ट भी चाहिए, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट भी चाहिए, हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चाहिए, हमें फाइनेंशियल रिजल्ट भी चाहिए क्वार्टर बेसिस पे, और हमें स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन भी चाहिए. ईयरली बेसिस पे दो ही पॉइंट है, फाइनेंशियल रिजल्ट अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 डेज, और साथ में जो एनुअल रिपोर्ट है वो सारे सिक्योरिटी होल्डर्स को भी दे दो 21 डेज बिफोर द मीटिंग, एंड एनुअल रिपोर्ट हैज टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एज वेल. आई होप यू आर ऑल विद मी.
अरे एलओडीआर इस मक्खन की तरह खत्म होता जा रहा है। अगर मैं जाता हूं उस चार्ट पे तो अब मैं देखता हूं एलओडीआर में क्या हो चुका है। एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी एलओडीआर हो चुका है, की फीचर्स ऑफ एलओडीआर हो चुका है, क्वार्टरली कंप्लायंस हो चुका है, ईयरली कंप्लायंस हो चुका है, और अब मैं आपको लिए जाता हूं प्रायर इंटीमेशन अंडर एलओडीआर। बहुत आसान कि एलओडीआर में जब तक मैं अनलिस्टेड था मुझ पे ये सब एप्लीकेबल नहीं था, बट वंस आई बिकम अ लिस्टेड कंपनी आई हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन प्रायर। ये सारी चीज मुझे स्टॉक एक्सचेंज को पहले से बतानी होगी। इतना सर ये सब कंप्लायंस क्यों आ रहा है? अरे मैंने आपको जैसे बैकग्राउंड में बताया था यारों कि जब तक एक कंपनी अनलिस्टेड होती है तब तक शेयर होल्डर अगर उसमें इन्वेस्ट मतलब कोई भी इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत सोच समझ के करता है, बट वंस अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी ना तो लोगों का भरोसा स्टॉक एक्सचेंज पे, अरे लिस्टेड है ना तो ये तो अच्छी ही होगी, लिस्टेड है ना तो ये तो बढ़िया ही होगी। तो यहां पे हमें बहुत केयरफुल रहना होता है कि स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारे भरोसे पे पूरी जनता इन्वेस्ट कर रही है, हमारे और सभी के भरोसे पे पूरी जनता इन्वेस्ट कर रही है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो एकदम ऑन द टोज रखते हैं सारी लिस्टेड कंपनीज को। तो लिस्टेड कंपनी को कुछ भी कहना है, सांस भी लेनी है तो पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना है इस स्टॉक एक्सचेंज में सांस लेने वाला हूं और फिर सांस लेनी है, ऐसा समझ लो। सो प्रायर इंटीमेशंस टू स्टॉक एक्सचेंज, लेट्स हिट दैट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस पीपल, yes people, 100% focus here on the screen, on the screen, on the screen. Chalo. Prior intimations of board meeting. कभी भी अगर आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग, तो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जिस बोर्ड मीटिंग में आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हो, जिस बोर्ड मीटिंग में आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो, वो आपको 5 days पहले वो आप Yes, we will. तो कभी भी फोकस करना, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रायर इंटीमेशन रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। क्या मैं लिस्टेड कंपनी बन गया तो मुझे हर एक चीज पहले स्टॉक एक्सचेंज को बतानी होती है, कितने दिन पहले बतानी है। अगर आप ऐसे, ये सारे बोर्ड मीटिंग वाले ये हम पढ़ रहे हैं रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग, अगर आपकी बोर्ड मीटिंग पे आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो, इफ यू एट योर बोर्ड मीटिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यू हैव टू इन्फॉर्म एटलीस्ट 5 days इन एडवांस। आपको 5 दिन इन एडवांस प्रायर इंटीमेशन पढ़ा रहा हूं, प्रायर होने के पहले आपको इन्फॉर्म करना है, राइट, प्रायर इंटीमेशन। सो अगर आप बोर्ड मीटिंग पे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो, ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो, तो आपको बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है। बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना अगर आप बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो कि हे स्टॉक एक्सचेंज, वी आर प्लानिंग अ बोर्ड मीटिंग ऑन विच विल बी डिस्कसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड, अगर आप प्रपोजल फॉर वॉलंटरी डिलिस्टिंग डिस्कस कर रहे हो, फंड रेजिंग डिस्कस कर रहे हो किसी भी वे से, अगर आप डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एंड कैरिंग अ राइट टू सब्सक्राइब ऑफ इक्विटी शेयर्स, पासिंग ओवर ऑफ डिविडेंड, ये सब डिस्कस कर रहे हो, बोनस इश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हो, बायबैक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, अगर आप बोर्ड मीटिंग में इनमें से कोई भी डिस्कशन करने वाले हो, अगर आप बोर्ड मीटिंग में इनमें से कोई भी डिस्कशन करने वाले हो, देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 2 working days इन एडवांस। यू हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज 2 working days इन एडवांस। वॉलंटरी डिलिस्टिंग डिस्कस करो, फंड रेजिंग, शेयर्स इशू करने की बात करो तो शेयर्स इशू करने की बात कर रहे हो, या फिर राइट इशू की, या फिर बोनस इशू की बात कर रहे हो, या फिर आप बायबैक की बात कर रहे हो, या फिर आप डिक्लेरेशन की डिविडेंड, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करने की जिसमें एक राइट होगा टू कन्वर्ट टू इक्विटी, पासिंग ओवर ऑफ डिविडेंड, इनमें से कोई भी चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं अगर आप बोर्ड मीटिंग पे, तो यू हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज 2 days before the meeting, 2 days before the meeting, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अगर बोर्ड मीटिंग पे आप डिस्कस करने वाले हो ऑल्टरेशन इन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी, या फिर ऑल्टरेशन ऑफ द डेट ऑन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी पेड, is going to be paid for debentures or redeemable shares. सुनना ध्यान से, दो चीजों में अगर आप alteration कर रहे हो, क्या form and nature of your security, अगर आपकी कोई भी security का form and nature ही आप change कर रहे हो, if you are making any alteration in the form and nature of security, or you are making alteration to the date of payment of interest or redemption,
शेयर्स या डिबेंचर के रिडेम्पशन के डेट या फिर इंटरेस्ट पेमेंट के डेट में अगर आपको चेंज कर रहे हो, ऑल्टरेशन इन द डेट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट और रिडेम्पशन और इंटरेस्ट पेमेंट, यू आर ऑल्टरिंग इट, या फिर यू आर ऑल्टरिंग द नेचर ऑफ एनी सिक्योरिटी, इन दोनों की चीजों में से कोई, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आप बोर्ड मीटिंग में करना चाह रहे हो तो आपको उस बोर्ड मीटिंग का 11 वर्किंग डेज इन एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी भाई आप क्या करो, नेचर ही चेंज करो सिक्योरिटी का, या सिक्योरिटी का जो डेट है रिडम्पशन का या इंटरेस्ट पेमेंट चेंज करो, बहुत बड़ी बात है, स्टॉक एक्सचेंज को 11 दिन पहले बताना, 11 वर्किंग डेज पहले। आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस कर रहे हो 5 डेज पहले, और मान लीजिए आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हो, सो 2 वर्किंग डेज पहले आपको बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना है स्टॉक एक्सचेंज को। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो अगर बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हो रहा है तो 5 डेज पहले बोर्ड मीटिंग के 5 डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। अगर स्टॉक हमारे बोर्ड मीटिंग पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग की बात हो रही है, पब्लिक इशू की बात हो रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है, बोनस इशू की बात हो रही है, हमारे यहाँ पे बायबैक की बात हो रही है, डिक्लेरेशन की बात हो रही है, ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो आपको सिंपली बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है कि हम बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाले। और अगर आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं द फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी और द ऑल्टरेशन टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी, तो उस केस के अंदर आपको 11 वर्किंग डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। सो दिस इज अबाउट प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, कि आपको बोर्ड मीटिंग के बारे में पहले से बताना है। अब सुनना, ये हो गया, इसके बाद में 3 और चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इसका बोर्ड मीटिंग से कोई रिश्ता नाता नहीं है, सुनना ध्यान से। आप अगर कभी भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर रहे हो, आप अगर कभी भी रिकॉर्ड डेट है तो एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज इन एडवांस बिफोर द रिकॉर्ड डेट, तो रिकॉर्ड डेट जो है, जो भी आपने रिकॉर्ड डेट रखी है उसके 7 दिन पहले आपको रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देनी है। आप कभी भी अगर रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करने वाले हैं, आई होप एवरीवन इज वेल अवेयर अबाउट द कांसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेट, इफ अ कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड, द कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर बोनस इशू, राइट इशू, कोई भी बेनिफिट देना चाहती है कंपनी, कोई भी बेनिफिट देना चाहती है, तो किस किस को बेनिफिट मिलेगा? एवरीवन हु इज होल्डिंग शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट। सो व्हेनेवर अ कंपनी इज डिक्लेयरिंग द रिकॉर्ड डेट, कंपनी हैज टू अनाउंस इट, कंपनी हैज टू अनाउंस इट 7 डेज बिफोर दैट डेट। तो जो रिकॉर्ड डेट है उसके 7 दिन पहले कंपनी को रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। तो रिकॉर्ड डेट बुक ऑफ क्लोजर के बारे में कंपनीज़ तो अनाउंस 7 डेज इन एडवांस, ठीक है, प्रायर इंटीमेशन हो रहा है। सेकंड, रिकमेंड और डिक्लेयर डिविडेंड और कैश बोनसेस, ये कब करना है? एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट, ये इसके लिए सप्लीमेंट्री प्रोविजन है, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट, जब भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करना चाहते हो रिकॉर्ड डेट से 7 दिन पहले डिक्लेयर करो, ओके, उसके बाद में एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट, आपको जो भी बोनस इशू, आपको जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, आपको जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो आपको रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले करना है। वापस रिपीट करता हूं, रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करना है रिकॉर्ड डेट से 7 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट जो भी रख रहे हो उसके 7 दिन पहले रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दो, ताकि जनता को टाइम मिले कि हमें अगर शेयर्स खरीदने तो हम खरीद ले, जो भी करना चाहते हैं करते। तो रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करनी तो रिकॉर्ड डेट से 7 दिन पहले, और उसके बाद में रिकॉर्ड डेट से कम 5 दिन पहले आपको डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर देना है। तो दिस इज द सप्लीमेंट्री प्रोविजन। द लास्ट प्रोविजन हियर इज अपडेट एनी चेंज ऑन द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट पर कुछ कंटेंट लिखा है उसमें एक्चुअली चेंज हो गया है तो विद इन 2 वर्किंग डेज, दिस इज नॉट प्रायर, दिस इज विद इन, दिस इज द ओनली टॉपिक पूरे के अंदर, हमने 6 चीजें पढ़ी उसमें सब जगह प्रायर इंटीमेशन था, ये अकेला विद इन है, तो जब भी कुछ चेंज होता है उसके 2 दिन के अंदर उसे वेबसाइट पे भी चेंज कर दो, विद इन 2 डेज वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज इन कंटेंट। समझना ध्यान से अच्छे से, क्या रखना है, विद इन 2 डेज एक जगह पे पढ़ा है, 5 वर्किंग डेज एक जगह पे पढ़ा है, 7 वर्किंग डेज एक जगह पे पढ़ा है, 11 वर्किंग डेज एक जगह पे पढ़ा है, 2 वर्किंग डेज एक जगह पे पढ़ा है, एंड 5 डेज एक जगह पे पढ़ा है। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कंप्लायंस किसका है। देखो, विद इन 2 वर्किंग डेज तो वेबसाइट का है, ये तो अभी पढ़ा कि अगर हमारी वेबसाइट के कंटेंट में कुछ भी चेंज होता है तो 2 दिन के अंदर वेबसाइट पे चेंज कर दो, इजी। तो ये विद इन वाला तो एक अकेला ही है, ठीक है। उसके बाद में 5 वर्किंग डेज यहां पर है और फर्स्ट भी 5 डेज है, तो 5 वर्किंग डेज और 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड डेट, कि जब भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करनी है उस डेट से 7 दिन पहले अनाउंस करो। और इसका सप्लीमेंट्री प्रोविजन है कि हाँ, और रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले आप डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दो, dividend should be declared 5 days prior to the record date, okay, then 11 working day, 2 working day, 5 days, ye clear hona chahiye, 5 days kaun sa hai, financial result, jab bhi aapke financial result declare karne uske 5 din pehle us board meeting ke, ye tino board meeting wale, ये तीनों बोर्ड मीटिंग वाले प्रोविजन थे पिछले पेज के। तो अगर मान लीजिए कभी भी आपके बोर्ड मीटिंग पे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होने वाले हैं तो उसके 5 दिन पहले आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है। अगर आपके बोर्ड मीटिंग पे आप ऑल्टरेशन कर रहे हो ऑफ फॉर्म एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी और द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन, तो उस केस में 11 वर्किंग डेज पहले आप इन्फॉर्म कर दो। और अगर इनके अलावा कुछ हो रहा है, जैसे कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रहा है, शेयर्स इशू कर रहे हो, बोनस शेयर है, बायबैक कर रहे हो आप, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो गया, उसके बारे में इस प्रकार की जो भी हमने पढ़ी थी वो सब कहीं कवर होते हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज 2 डेज, 2 वर्किंग डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग।
आई होप आप सबके दिलो दिमाग में ये टॉपिक बैठ चुका है, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, कि कभी भी अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है तो आपको इसका प्रायर इंटीमेशन देना अनिवार्य है। चलिए वंडरफुल। अब अगर मैं वापस आपको वहीं लिए चलता हूं। सर बार बार आप वहां क्यों लिए चलते हो? क्योंकि मुझे बड़ा ही आनंद आता है आपको वहां लेके जाने में। हमने एलओडीआर के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहला एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एम एंड एप्लीकेबिलिटी क्लियर है, की फीचर्स पढ़ लिए कि भाई हमने उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था इंडिपेंडेंट कितने होंगे। फिर थर्ड हमने पढ़ लिया क्वार्टरली कंप्लायंस, हाँ पांच चीजें क्वार्टरली करनी है, ईयरली कंप्लायंस ये तीन या दो बोलो ये ईयरली करनी है, उसके अंदर प्रायर इंटीमेशन अंडर एलओडीआर रेगुलेशन, हाँ फाइनेंशियल रिजल्ट का 5 डेज पहले बताना है, ये सब में से कोई टू वर्किंग डेज पहले बताना है, अगर ऑल्टरेशन कर रहे हैं इन दोनों में से कहीं पे भी तो 11 वर्किंग डेज पहले बताना है, रिकॉर्ड डेट 7 दिन पहले अनाउंस होना चाहिए, रिकॉर्ड डेट के 5 दिन पहले डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर देना चाहिए, और वेबसाइट में कुछ भी चेंज हुआ तो उसको 2 दिन के अंदर हमें अपडेट कर देना चाहिए। Prior intimations is 100% sorted. Focus is 100%. उसके बाद में आता है types of committee. मैं आपको क्या कह रहा हूँ? ये अकेला last important topic है, बाकी सब फिर chiller होते हैं, फिर बहुत ही easy से topics हैं। मतलब chiller नहीं बोलना चाहिए, the remaining parts are very easy. सिर्फ ये यहाँ पे आपको मजा आएगा, जो last वाले ना corporate governance requirement with respect to subsidiary. तो हम लोग अभी आ रहे हैं types of committees under LODR. दिल थाम के बैठो यार, इसको बेहतरीन तरीके से हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है, टाइप ऑफ कमिटीज अंडर LODR. आ जाओ। Yes, 100% फोकस यहां पे। इसके अंदर आपको चार प्रकार की कमिटीज के बारे में बताया गया, चार प्रकार की कमिटीज के बारे में बताया गया, टाइप्स ऑफ कमिटीज अंडर एलओडीआर, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये चार कमिटीज पढ़नी है, चारों कमिटीज के बारे में तीन चीजें पढ़नी है, इट्स कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए आप, इट्स मीटिंग, उसको मीटिंग कितनी बार करनी है साल में, एंड लास्ट इज इट्स कोरम। बस ये तीन चीजें हर एक मीटिंग करने पड़ ली, हर एक कमिटी करने पड़ ली, बात खत्म। सबसे डिफिकल्ट होता है ऑडिट कमिटी। आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसे बनाए। ऑडिट कमिटी शुड कंप्राइज ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो 3 बॉडीज बनाई, हर एक के नीचे DDD लिख दिया। तो पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है, ऑडिट कमिटी शुड कंप्राइज ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, वंडरफुल। आई गेस आपको याद आ रहा होगा हमने पूरा डायग्राम कैसे बनाया था। तो ऑडिट कमिटी शुड कंप्राइज ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, वंडरफुल। आउट ऑफ देम 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेकंड, देखो नीचे डायरेक्टर के आगे मैंने आई लगा दिया, सो आउट ऑफ देम 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वंडरफुल। नेक्स्ट, हर एक के ऊपर एफएल लिखा है, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमिटी हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमिटी हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डन, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में देखो, एक के ऊपर कुछ सिर पे हमने बनाया हुआ है क्राउन, इट मींस चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही चेयरमैन बनेगा, तो चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चार पॉइंट, एंड द पर्सन हैज टू बी प्रेजेंट एट AGM टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरीज। चार पॉइंट में ऑडिट कमिटी खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑडिट कमिटी, क्या कहना, चार पॉइंट में। पहला, डायग्राम कैसे बन रहा है, 3 बॉडीज आई, सबके नीचे DD लिखा है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स शुड बी द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, उन दो के आगे आईडी लगा दिया, आई लगा दिया, फिर उसका मतलब है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। हर एक ऊपर एफएल, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, एंड एटलीस्ट वन शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड एफएम, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डन, ऑडिट कमिटी खत्म हो गया। सर, ऑडिट कमिटी की मीटिंग एग्जैक्टली लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, 4 मीटिंग्स इन अ ईयर विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन 2 मीटिंग्स। तो मीटिंग को लेकर क्या लिखा है यहां पे, 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप 120 डेज। कोरम सेम लाइक बोर्ड मीटिंग, बट एक चेंज है बस, कोरम क्या है, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 whichever इज हायर, ये हो गया कोरम, विथ मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीटिंग में होने चाहिए। क्लियर बेटा जी? तो ये हो गया ऑल अबाउट ऑडिट कमिटी, ये हो गया ऑल अबाउट ऑडिट कमिटी, ये हो गया ऑल अबाउट ऑडिट कमिटी। जैन साहब, आप क्या पूछ रहे हो मुझे एग्जैक्टली नहीं समझा, लेकिन एंड में आपसे पूछता हूं, एक बार हम पूरा रिवीजन कंप्लीट करते हैं, ठीक है जैन साहब? चलिए 100% फोकस यहां पर। चलिए, तो क्या कर रहे थे हम लोग, ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे कंपोजिशन पढ़ लिया, कंपोजिशन आई थिंक वी आर ऑल सॉर्टेड अबाउट द कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ लिया, भाई साहब मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, ऑल मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑल शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट, 1 शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटेंसी इन एफएम, एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी, द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मीटिंग को लेकर हमने पढ़ लिया 4 मीटिंग्स पर ईयर, एंड द मैक्सिमम गैप कैन बी 120 डेज, और कोरम को लेकर पढ़ लिया वही 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 2 whichever इज ग्रेटर, सब्जेक्ट टू मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। चल, ये हो गया ऑडिट कमिटी। सिमिलरली यही 3 पॉइंट्स पढ़ने हमें नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी के बारे में। देखो डायग्राम वापस, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, ओके, बट यहां पे क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, थोड़ा सा कम,
ऑडिट कमिटी में कहा था कितने इंडिपेंडेंट, 2/3, यहां पे कहते 50%, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 50% टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मान लीजिए 4 डायरेक्टर है तो 2 इंडिपेंडेंट, 3 है तो आपको 2 ही रखने पड़ेंगे फिर भी, ठीक है। सो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 50% शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके ऊपर सबके ऊपर एनी लिखा है, मतलब ऑल द डायरेक्टर्स अंडर नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमिटी शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्लियर है। एंड वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। बहुत आसान हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान, पहले जो खत्म करता हूं, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, All of them should be non-executive, 50% should be independent. Easy है, ये nomination remuneration committee. Generally सिर्फ non-executive directors इसके member बन सकते हैं। एक catch यहाँ पे, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी का chairman who is an executive director, अगर आपकी कंपनी का chairman who is an executive director intends to be a part of nomination remuneration committee, he can be a part of nomination remuneration committee, he can be a member of nomination remuneration committee. So despite the fact that the chairman is an executive director, he can be a part of nomination remuneration committee, but he cannot be the chairman of this committee. वो इस कमिटी का chairman नहीं बन सकता, but इस कमिटी का part बन सकता है। समझ में आया? तो जनरली नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी में सारे मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, बट वो एक केस हो गया कि अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन ही इसका पार्ट बनना चाहता है तो अगर वो एग्जीक्यूटिव तो भी बन सकता है, बट ही कैन नॉट बी द, ही कैन नॉट बी व्हाट, ही कैन नॉट बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। सो हैव यू सॉर्टेड? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑल शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। सर मीटिंग के बारे में कुछ बताइए, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, कुछ साल में आपको 4 बार मिलने की आवश्यकता है, वंस इन अ ईयर। और कोरम क्या है? सेम, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ 2 व्हिचएवर इज ग्रेटर, बट इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट कम कर दी। ऑडिट कमिटी में क्या था? मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, यहां पे क्या कह दिया? मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी प्रेजेंट। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी फॉर यू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट अहेड, दैट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। इनकी ज्यादा उम्मीद नहीं है, ये क्या कहते हैं भाई साहब, ठीक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। इनका क्या कहना है? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट। आप देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। ऑडिट कमिटी कहता था मिनिमम 2/3 हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिनिमम 2/3 हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद में क्या हुआ? मिनिमम 2/3 हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट चीज हमारा आ गया नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी आ गया। उसमें कितना कह दिया? 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लास्ट हो गया स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। उसमें क्या हो गया? उसमें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के अंदर क्या हो गया? मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कैसे हट रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, डाइल्यूट हो रही है। नेक्स्ट इज मीटिंग, 1 मीटिंग पर ईयर, ठीक है। चलिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, उसके बाद में आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, द लास्ट कमिटी, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इनका क्या कहना है? इनका कुछ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो लिखा ही नहीं उन्होंने, इन्होंने बस लिख दिया दैट मैक्सिमम मेंबर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड बी डायरेक्टर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड बी डायरेक्टर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड बी डायरेक्टर्स, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर एनी पर्सन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर। तो इनका कहना है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड बी डायरेक्टर्स, और कोई सीनियर मैनेजमेंट का व्यक्ति भी इसका मेंबर बन सकता है, बट द चेयरमैन, देखो सिर पे किसके टोपी पहनाई, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज टू बी अ डायरेक्टर। बस इतना सा रिक्वायरमेंट है। फिर जाते हैं मीटिंग, 1 मीटिंग इन अ ईयर, कोरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया आपकी सारी मीटिंग के बारे में। बट एक बात, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये जो है ये सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है। सॉरी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो हमारी इंडिया में इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज है, उनमें से जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, क्विकली फोकस करना है, ठीक है। 4 कमिटीज है, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। हर एक का हमें पढ़ाना बताना चाहिए कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है? मिनिमम थ्री, ये ऑडिट है, ये नॉमिनेशन रेमुनरेशन है, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है, और वो रुको मैं इधर आ जाता हूं, ये ऑडिट कमिटी है, ये नॉमिनेशन रेमुनरेशन है, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है, और उसके आगे रिस्क मैनेजमेंट है। तो मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 50% should be independent, 1 should be independent, ऐसा कुछ नहीं है। I have understanding. All should be financial literate, 1 should be an expert of accountancy and FM, all should be non-executive directors. Simple है, और stakeholder relationship में भी ऐसा कुछ नहीं है।
आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. अगर इस तरह से आप कंपेयर करते पड़ते आई होप यूर ऑल्सो ऑडिटेड. ठीक है, मैं बात करता हूं मीटिंग की. अगर तो ऑडिट कमिटी हैज टू मीट 4 टाइम्स इन अ ईयर एंड अ मैक्सिमम गैप कैन बी 120 डेज, वेयर एज द रिमेनिंग कमिटीज हैव टू मीट वंस इन अ ईयर. कोरम की बात करता हूं. कोरम सिर्फ दे रखा है ऑडिट और नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन के लिए. तो ऑडिट कमिटी का कोरम क्या है? मिनिमम 1/3 और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज ग्रेटर, लेकिन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में अटेंड होने चाहिए, मीटिंग को अटेंड करने चाहिए. वहीं नॉमिनेशन रेमुनरेशन का भी यही है, 1/3 और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज ग्रेटर, बट मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. आई होप यू आर ऑल सॉर्टेड. ठीक है, चलिए ओके. तो जैन साहब ऐसे कह रहे हैं कि मैंने जब आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया, कौन सा वाला टॉपिक कह रहे हैं, ये वाला, उसके अंदर मैंने 2 और 11 को उल्टा बोल दिया क्या? ठीक है, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में. वापस देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ गए हैं, टाइप्स ऑफ कमिटीज, बट मैं प्रायर इंटीमेशन एक और बार बता रहा हूं. जैन साहब का कहना है कि शायद मैंने उल्टा बोल दिया, तो मैं करेक्ट कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जस्ट टेल मी, फिर आपको समझाएगा अच्छे से. क्या कह रहा हूं मैं, यू टू गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज इफ इट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट. तो फाइनेंशियल रिजल्ट अगर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो रहा है तो 5 दिन पहले बताना. उसके बाद में नीचे अगर ऑल्टरेशन हो रहा है, इफ इट ऑल ऑल्टरेशन हो रहा है फॉर्म एंड नेचर में, या फिर ऑल्टरेशन हो रहा है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या रीपेमेंट डेट में, तो यू हैव टू इन्फॉर्म 11 वर्किंग डेज प्रायर टू द बोर्ड मीटिंग. ठीक है, और अगर इन सब में से कोई भी वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रही है, आपका बायबैक हो रहा है, आप मान लीजिए बोनस इशू कर रहे हैं, आप पब्लिक इशू कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी कर रहे हैं, तो यू टू इन्फॉर्म 2 वर्किंग डेज प्रायर. आई होप यू क्लियर राइट, आई होप यू क्लियर राइट. ठीक है, और उसके आगे भी चले जाता हूं. अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिकॉर्ड डेट के बारे में 7 डेज इन एडवांस बता देना है, और रिकॉर्ड डेट के 5 दिन पहले डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड. एंड द लास्ट पॉइंट वाज और कि अगर कोई भी आपकी चेंज हुई है वेबसाइट के कंटेंट में तो 2 दिन में उसको अपडेट कर लो. आई होप यू आर ऑल सॉर्टेड ऑन द सेम पेज नाउ. चलिए, हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं एलओडीआर रेगुलेशन में. अगर हम केयरफुली देखते हैं एलओडीआर रेगुलेशन में, हम लोग पढ़ चुके हैं एम एन एप्लीकेबिलिटी, की फीचर्स, क्वार्टरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस, प्रायर इंटीमेशन, टाइप्स ऑफ कमिटीज. आहा, सब कुछ हो चुका है. अब आता है रोल ऑफ कंप्लायंस, इजी, कॉमन ऑब्लिगेशन इजी, सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी में मजा आएगा. चलो यार, 100% फोकस यहां पे. चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किस पे, रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर. आ जाओ जैन साहब, सब ठीक है ना? रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर यहां पर आ गया. नहीं, टाइप्स ऑफ कमिटी आ गया. रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर कहां गया हमारा कंप्लायंस ऑफिसर? Yes, here's the role of compliance officer. कि आखिर हमारे compliance officer का क्या role है? Compliance officer is a company secretary. एक company secretary को compliance officer appoint करते हैं, ठीक है ना? इसका role क्या क्या है? सुनना अच्छे से. बहुत कुछ लिखा है यहां पे, focus करना. चलिए, the role of compliance officer is as follows. लिस्टेड कंपनी को इंश्योर करना होता है कि केएमपी डायरेक्टर प्रमोटर कंप्लाइज विद द ऑब्लिगेशन. कि बहुत सारी जगह पे केएमपी के प्रमोटर के डायरेक्टर के ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं एक्ट में. अब ये उनको थोड़ी पता होगा, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर टू इंश्योर कि वो सारा उनका कंप्लायंस कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफिसर हैज द ड्यूटी टू इंश्योर लिस्टेड कंपनी कंफर्म्स विद रेगुलेटरी प्रोविजन इन लेटर एंड इन स्पिरिट. कि एक्चुअली जी जान से आपने सारे कंप्लायंस करना है, नॉट जस्ट बेसिक कंप्लायंस बट लेटर एंड स्पिरिट में करो. देयर आफ्टर आपको कोऑर्डिनेशन करना है बोर्ड के साथ एंड स्टॉक एक्सचेंज. बोर्ड मतलब यहां पे सेबी. तो आपको सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कोऑर्डिनेशन भी करना है, साथ में उनको रिपोर्ट भी करना है. देखो क्या लिखा है, रिपोर्ट टू बोर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज. तो 2 पॉइंट तो इजी हो गए कि कोऑर्डिनेशन विद बोर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज, रिपोर्ट टू बोर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज. ओके, फर्दर दे ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि जो भी इन्फॉर्मेशन फाइल हो रही है, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन फाइल हो रही है, इट हैज टू बी करेक्ट, ऑथेंटिक, कॉम्प्रिहेंसिव. जो भी इन्फॉर्मेशन जहां पे भी फाइलिंग हम करें, इट हैज टू बी करेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट. ओके, नेक्स्ट इज दिस गाय आल्सो हैज टू मॉनिटर ईमेल आईडी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल. हमने कहा ना कि कोई भी इन्वेस्टर को हम एक ईमेल आईडी देते हैं कि आपको अगर कहीं भी परेशानी हुई तो आपको इस ईमेल आईडी पे बताना है किसी भी इन्वेस्टर को. अब ये इसके लिए एक सेपरेट टीम है जो इसका ध्यान रखेगी, बट कंप्लायंस ऑफिसर हैज टू मॉनिटर इट दैट वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क परफेक्टली और नॉट. वंडरफुल. नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज. कि हमें स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या इन्फॉर्म करना है, हर एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट विल बी डिटर्मिंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर. कंप्लायंस ऑफिसर विल से दैट दीज आर मटेरियल थिंग्स, दिस हैज टू बी इन्फॉर्म टू स्टॉक एक्सचेंज. फर्दर, रिपोर्ट टू बोर्ड अबाउट कंप्लायंस. जैसे कि ऊपर पढ़ा हमने कि रिपोर्ट करना है बोर्ड को और स्टॉक एक्सचेंज को, उसी तरह से यहां पे लिखा है रिपोर्ट टू बोर्ड अबाउट कंप्लायंस. नेक्स्ट इज इंश्योर कंप्लायंस विद SS1 एंड SS2. ये SS क्या है? ये SS जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो कि बनाता है ICSI. तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बनाता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. तो दो ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ में आपको कंप्लाई करना, ध्यान रखना है. दीज आर टू मैंडेटरी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. SS1 इज ऑन बोर्ड मीटिंग, SS2 इज ऑन जनरल मीटिंग. ये दोनों सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी आपने कंप्लाई किए हैं या नहीं. नेक्स्ट, व्हाट यू टू डू, यू टू प्रोवाइड गाइडेंस टू डायरेक्टर. अब नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या, डायरेक्टर को आपको मदद करनी है. तो डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना है, डायरेक्टर्स को असिस्ट करना है,
डायरेक्टर को गाइडेंस देना है, डायरेक्टर को असिस्ट करना है इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड साथ में डायरेक्टर को असिस्ट एंड एडवाइस करना है इन कंप्लाइंग विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तीन पॉइंट, डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना है, डायरेक्टर्स को असिस्ट करना है एंड असिस्ट एंड एडवाइस करना है फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बस उसके बाद में क्या है लास्ट में, यू हैव टू फैसिलिटेट द मीटिंग एंड रिप्रेजेंट द कंपनी एक्सेट्रा। कि आपको फैसिलिट करना है बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग कंडक्ट भी आपको करानी है, और साथ में अगर कंपनी को कहीं भी रिप्रेजेंट करना है इवन एट एनसीएलटी लेवल, तो कंपनी सेक्रेटरी द कंप्लायंस ऑफिसर गो एंड रिप्रेजेंट द कंपनी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक कंप्लायंस ऑफिसर को करनी है, फोकस करना। आपको इसमें से कम 7 to 8 पॉइंट्स तो दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। देखो कुछ इजी पॉइंट्स हैं ये वाले, कि कोऑर्डिनेट करना है, रिपोर्ट करना है बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को, फर्दर यहां पे भी रिपोर्ट करना है, ईमेल आईडी को मॉनिटर करना है, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे हम वो इंश्योर करना है कि करेक्ट ऑथेंटिक कंप्रेहेंसिव है। बोर्ड को यहां पे तीन पॉइंट बोर्ड के हो गए, कि इंश्योर करना है कि बोर्ड को जो भी गाइडेंस है वो हम दे रहे हैं, असिस्ट करना है इन कंप्लाइंग डे टू डे अफेयर्स, उसके बाद में असिस्ट एंड एडवाइस करना है फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हो गया। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 or 2 कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डायरेक्टर केएमपी प्रमोटर अपनी सारी ऑब्लिगेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपनी अपनी सारी ऑब्लिगेशन इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, टू कंडक्ट द मीटिंग्स एंड टू रिप्रेजेंट द कंपनी। इस प्रकार से अगर आप 2-3 बार पढ़ते हैं तो कम से कम 7 to 8 पॉइंट्स आपके दिलो दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि कंप्लायंस ऑफिसर आखिर एक कंपनी में करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। आई हैव जस्ट सॉर्टेड, यस पीपल। और इसके साथ ही मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इसके बाद में हमें दिखता है कि हमें सिर्फ कंप्लायंस रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर में पढ़ चुके, तो मिसलिनियस में आता है कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। कॉमन ऑब्लिगेशन में दो चीजें याद है, मैंने क्वार्टरली और ईयरली के साथ में ऊपर एक वन टाइम कंप्लायंस लिख दिया था, दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एज सून एज इट गेट लिस्टेड इट हैज टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर, एंड इट हैज टू अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और स्टार्ट अ इन हाउस शेयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट। ये आपको करना है, दिस इज नथिंग बट कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो मॉड्यूल के अंदर कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी करके यही लिखा है कि जैसी ही कंपनी लिस्ट होगी उसके दोनों चीजें करनी है, तो हम उसको उस चार्ट में कर चुके हैं वन टाइम कंप्लायंस करके, कि जैसे आप लिस्टेड हुए आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है और आपको एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी आपको स्टार्ट करनी है। और इसके साथ में हमारा एलओडीआर खत्म होता है, लेकिन 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 बारिंग वन टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। कि एक लिस्टेड कंपनी की अपने सब्सिडरी के प्रति क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन, यस पीपल, फोकस ऑन द स्क्रीन, फोकस ऑन द स्क्रीन। एक लिस्टेड कंपनी के क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू, एक लिस्टेड कंपनी के क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस फॉर सब्सिडरी, इस पे फोकस करना चाहिए अलग से। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेगुलेशन 24 है ये, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। चलो सबसे पहले फॉर मटेरियल सब्सिडीज, अभी हम बाकी सब सब्सिडीज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मटेरियल सब्सिडीज की बात कर रहे हैं। सर ये मटेरियल सब्सिडी क्या होता है, फोकस यहां पे एकदम सिंपल तरीके से, कि मटेरियल सब्सिडी मींस व्हाट, द टर्म मटेरियल सब्सिडी शैल मीन अ सब्सिडी हुज इनकम और नेटवर्थ, या तो इनकम या फिर उसका नेटवर्थ एक्सीड्स 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। हमारे लिस्टेड एंटिटी और उसकी सारी सब्सिडरी के मिला के जितना इनकम है उसका 20% ये एक ही सब्सिडरी से आता है, तो वो हमारी मटेरियल सब्सिडरी। या फिर हमारी लिस्टेड कंपनी और उसकी सारी सब्सिडरी को मिला के जितना टोटल नेटवर्थ है उसका 20% से ज्यादा, तो उसका 20% से ज्यादा तो एक ही सब्सिडरी का नेटवर्थ कंट्रीब्यूशन है, तो वो सब्सिडरी। ये सब्सिडरीज जिनका कंट्रीब्यूशन इनकम या नेटवर्थ इन द टोटल लिस्टेड कंपनी अलॉन्ग विद ऑल द सब्सिडरीज इज एक्सीडिंग 20%, इफ द कंट्रीब्यूशन इन इनकम और नेटवर्थ इज एक्सीडिंग 20% इन दोस सर्कमस्टेंसेस, दैट सब्सिडरी इज टर्म्ड एज मटेरियल सब्सिडरी। तो हर एक लिस्टेड कंपनी का अपनी मटेरियल सब्सिडरी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो यहां पर लिखा है। तो मटेरियल सब्सिडी के तीन पॉइंट है, 100% फोकस करना, केयरफुली बारीक पॉइंट है। पहला पॉइंट एटलीस्ट, ये तो इजी है, उसके बाद में सेकंड और थर्ड बारीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी होल्डिंग कंपनी शुड बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द सब्सिडरी कंपनी, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी शुड बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो पहला, अगर मटेरियल सब्सिडरी है तो आपकी होल्डिंग का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्सिडरी पर अपॉइंट करो। तो हर एक लिस्टेड कंपनी की जितनी भी मटीरियल होल्डिंग मटीरियल सब्सिडरीज होंगी, मान लो तीन मटीरियल सब्सिडरीज है, मुश्किल है तीन होना, कभी भी एक दो ही होती है, अगर मान लीजिए तीन मटीरियल सब्सिडरी फिक्टिशियसली, तो आपको अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक 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 करके आपको सब्सिडरीज पे अपॉइंट करने होंगे। सो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग लिस्टेड कंपनी शुड बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। पहला पॉइंट इजी। सेकंड पॉइंट समझिए,
a listed entity shall not dispose of shares in the material subsidiary. आप material subsidiary में shares dispose of नहीं करेंगे. A listed entity shall not dispose of shares in the material subsidiary resulting in reduction of its shareholding either on its own or together with other subsidiary to less than 50% or seize the exercise of control over the subsidiary without passing a special resolution in its general meeting. क्या कह रहे हैं? अगर एक holding company अपने material subsidiary के shares बेच रहा है और वो इतने शेयर्स बेच रहा है कि उसका जो कंट्रोल है मटेरियल सब्सिडी से वही खत्म हो जाएगा या फिर उसका शेयर होल्डिंग 50% से कम होने वाला है. 50% से कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल खत्म हो जाएगा. सुना ध्यान से. अगर एक होल्डिंग कंपनी विच इज लिस्टेड अपनी मटेरियल सब्सिडी के शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहा है और कितने शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहा है कि उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा या फिर उसके शेयर्स 50% से कम हो जाएंगे इन दैट मटेरियल सब्सिडी, तो ये वो तभी कर सकता है जब वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है अपने जनरल मीटिंग. वापस रिपीट कर रहा हूं, एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी के, एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स बेचना चाहता है, नॉर्मली बेच सकता है, लेकिन अगर वो इतने शेयर्स बेच रहा है कि उसकी जो शेयर होल्डिंग है वही 50% से कम हो जाएगी, उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा और उसी के बाद में वो इन शेयर्स को बेच सकता है बिकॉज वो मटेरियल सब्सिडरी. पहला. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा कह रहा था मैं, अगर आप सेल करना चाहते हो, डिस्पोज करना चाहते हो या असेट और लीज करना चाहते हो असेट्स अमाउंटिंग टू मोर देन 20% ऑफ द असेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी ऑन एन एग्रीगेट बेसिस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, दिस विल आल्सो रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट में क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर हम हमारे मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं और कितना बेचना चाहते हैं कि 50% से कम हो जाएगा हमारा कंट्रोल, तो हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम हमारी मटेरियल सब्सिडी के, अगर हम हमारी मटेरियल सब्सिडी के असेट्स को 20% से ज्यादा, असेट्स को कितना 20% से ज्यादा, हमारे मटेरियल सब्सिडी के जो टोटल असेट्स हैं उसके 20% से ज्यादा असेट्स को सेल, डिस्पोज या लीज करना चाहते हैं, अगर एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी अपनी मटेरियल सब्सिडी जहां से भाई 20% इनकम नेटवर्थ कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका असेट को, उसके असेट्स को मोर देन 20% ऑफ इट्स टोटल असेट को सेल, डिस्पोज या लीज करना चाहते हैं, तो भी आप तभी कर पाएंगे जब आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं. आई होप योर अंडरस्टैंडिंग. खत्म हो गया. एक एक्सेप्शन बताऊंगा, उसके अलावा खत्म हो चुका है कि एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी को अपनी मटेरियल सब्सिडरीज के इन तीन चीजों का ध्यान रखना मैंडेटरी है. एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी को अपनी मटेरियल सब्सिडरी के इन तीन चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य है. क्या तीन चीजें हो गई? पहला के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आपकी होल्डिंग कंपनी का, शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी, और अगर आप सब्सिडरी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं कि आपका कंट्रोल ही 50% से कम हो रहा है, शेयर्स 50% से कम हो रहे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. और अगर आप मटेरियल सब्सिडरी के असेट्स को मोर देन 20% ऑफ देयर असेट्स को सेल, डिस्पोज या फिर आप लीज करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. चलिए, अब सेकंड और थर्ड पॉइंट का एक एक्सेप्शन है. व्हाट इज द एक्सेप्शन? दैट स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड. स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ, किस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा? इफ आपका ये जो शेयर्स आप बेच रहे हो या फिर जो असेट्स को सेल कर रहे हो, ये आप सेल कर रहे हो अंडर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल. आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है जो कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिए, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. या फिर इट इज अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी, एक रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी है, उसके तहत आप सेल डिस्पोज कर रहे हो या फिर उसके तहत आप शेयर्स बेच रहे हो, तो यहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता नहीं है. तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपनी मटेरियल सब्सिडरी के प्रति तीन एडिशनल कंडीशन आ जाती है. तीन कंडीशन क्या? पहला, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा वहां पर डायरेक्टर होना चाहिए. दूसरा, उनके शेयर्स अगर हम बेच रहे हैं 50% से ज्यादा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. अगर मान लीजिए उनके शेयर्स हम बेच रहे हैं जिससे हमारा कंट्रोल 50% से कम हो जाएगा, ऐसा समझो. थर्ड, अगर हम उनके 20% से ज्यादा से असेट्स डिस्पोज या सेल या लीज कर रहे हैं, तो भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. लेकिन अगर सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारी, हम ऐसा नहीं, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है, अप्रूवल मिल गया कोर्ट और ट्रिब्यूनल का, फिर कर रहे हैं चलेगा, या फिर अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी करो तो भी चलेगा. ये हो गए तीन कंडीशंस फॉर मटेरियल सब्सिडी. सर, अगर कोई सब्सिडी मटेरियल नहीं है उसको लेके भी कुछ कंडीशंस है क्या? कुछ नहीं, बेसिक है. देखो नेक्स्ट चीज, खत्म. तीन पॉइंट है, तीनों लिख देता हूं सीधा साथ में, कि अगर बची हुई जो सब्सिडी है, रिमेनिंग सब्सिडी, उसमें भी तीन चीजों का ध्यान रखना. पहला, कि द ऑडिट कमिटी ऑफ द होल्डिंग कंपनी शैल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय सब्सिडी. तो एक होल्डिंग कंपनी की जो ऑडिट कमिटी है अपने सारे सब्सिडी, सिर्फ मटीरियल नहीं, सारे सब्सिडीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगी, स्पेशली जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया.
Next, the minutes of the board meeting of subsidiary shall be led at the board meeting of holding company. So, जो board meeting of subsidiaries हुई है, उनके जो minutes हैं, वो holding के board meeting में रखे जाएंगे. And last, the management should bring to the notice of board of the holding company all the material information of the material transaction arrangement entered by unlisted subsidiary. कि हमारा कोई subsidiary है, उसमें कोई भी material transaction हुआ है, तो वो भी हमारे board को पता होना चाहिए. And with this, I say that we are done with LODR regulation. With this, we are done with LODR regulation. सिर्फ इस चीज का आपको ध्यान रखना, अगर ये चीजें आपके दिमाग में सेट हैं, अगर ये चीज आपके दिमाग में सेट है, there is nothing which can touch you with this when it comes to LODR regulation. LODR regulation 100% दिमाग में सेट हो जाएगा. कुछ है ही नहीं LODR में इसके अलावा. There is nothing in LODR apart from this. तो सिर्फ ये सब है LODR में, then you are all sorted. Are you people with me? Just tell me, are you people with me? We're done with LODR. We're done with SEBI Act revision. We're done with LODR Act revision. Are you all with me? Just tell me, are you all with me? Are you all with me? Chali. Yes, people. Wonderful, wonderful, wonderful. So, ab hume kya karna hai? Ab hume thoda sa thum jana hai. Aur hume wrap up karna hai. Kuch question bank. Theek hai beta ji? Question bank dekh lete hain. Koi bahut badi baat nahi. Aasan sa hai. Kuch paas ke questions dekh lete hain. You'll understand ki kaisa hota hai. Kabhi kabhi kya hota hai? कि कुछ जगह पे अगर हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं, क्वेश्चन बैंक में कुछ एक आधा एडिशनल पॉइंट हो जाता है. तो ये कैसा है, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा और जो सजेस्टेड आंसर दिया उस सजेस्टेड आंसर में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए, तो हमें इन सबको भी रेफर करना है. तो आई एम वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ यू, आपको क्या पढ़ना है, आपके मॉड्यूल का पूरा कंटेंट सेबी एक्ट का और एलओडीआर का पढ़ना है, उसके साथ में ये सारे क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं. ठीक है, इसमें 90% वही होगा जो आपका देखा हुआ है, कहीं अगर 10% कुछ नया आ जाता है तो यू शुड बी रेडी. एंड ये क्वेश्चंस देखने से फायदा क्या होता है बेटा जी, कि अगर एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो यू ऑलरेडी नो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आंसर करना होता है. बिकॉज कभी कभी सजेस्टेड आंसर कैसा आता है कि कोई टॉपिक पे क्वेश्चन है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें दी है मॉड्यूल में, कहीं भी सेपरेटली आइसोलेटेड तरीके से भी सब कुछ वो आंसर में दे देते हैं. सो यू गेट अ फेयर आइडिया कि क्या ICAI की अपेक्षाएं हैं. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हिट द फर्स्ट question of the question bank. Ab hamara ho gaya revision. Now what we are going to do, we are going to see all the question bank past year questions and that will be all sorted. Yeah, चलिए ठीक है. यस पीपल, हमें जो रेगुलर बैच में पढ़ा है वो एकदम अपडेटेड है. यहाँ पे हो सकता है कोई एक आधा प्रोविजन अपडेटेड ना हो, तो हमें हमारे रेगुलर बैच की प्रोविजन फॉलो करना है. वैसे सीन क्वेश्चन और आंसर एक आधा कुछ कहीं पॉइंट में आपको मिल सकता है, सर फोकस करना. एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेबी एक्ट. सेबी एक्ट को एस्टेब्लिश करने का पर्पज क्या है, तो ये हमारे दिमाग में अच्छे से बैठा होना चाहिए. व्हाट द पर्पज, सेबी एक्ट की शुरुआत में ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट पढ़ा था, PPR, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. तो वही ऑब्जेक्टिव देखो, द पर्पज ऑफ सेबी एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड कॉल्ड सेबी. द प्रीएम्बल टू द एक्ट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटीज, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर द मैटर्स कंसर्न देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू. इसका उन्होंने कुछ एडिशनल लिख दिया है, सेबी वाज सेट अप टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कि ये भी उनके एक और ऑब्जेक्टिव थे, क्या, टू प्रमोट फेयर डीलिंग बाय द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी एंड टू इंश्योर अ मार्केटप्लेस वेयर दे कैन रेज फंड एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट. क्या, टू प्रमोट फेयर डीलिंग के मार्केट में एक रिलेटिवली लो कॉस्ट पे कंपनीज शेयर्स इश्यू कर पाए और एक फेयर तरीके से डीलिंग हो सिक्योरिटीज मार्केट में, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर एंड सेफगार्ड देयर राइट एंड इंटरेस्ट सो दैट देयर इज अ स्टेडी फ्लो ऑफ सेविंग्स इनटू द मार्केट, के लोग सेविंग करें और वो मार्केट में इन्वेस्ट करें, उसके लिए दे शुड फील प्रोटेक्टेड ऑल्सो, सो टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. तो प्रैक्टिकली ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर कवर हो चुका है. तो उन्होंने कुछ बताया कि बेसिक तो तीन है, कि हम अगर एक्ट में पढ़ते हैं तो एक्ट में हमें तीन चीजें मिलती है. क्या, एक्ट मिलती है PPR, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, ये तीन चीजें. लेकिन उसके अलावा अदरवाइज भी कहते हैं, तो एक टू प्रमोट फेयर डीलिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर मर्चेंट बैंकर. तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहां पे थर्ड समझ लो,
कि अदर्स में थर्ड क्या है, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस, कि इंटरमीडियरीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप हो जाए। तो ये कुछ एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स में आप कह सकते हो। तो मेन ऑब्जेक्ट तीन होगा, पीपीआर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, एंड साथ में कुछ एंसिलरी भी हो गए कि क्या, टू प्रमोट फेयर डीलिंग होनी चाहिए, टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन रहना चाहिए, एंड टू डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज कि वो लोग भी फेयर तरीके से काम करें। तो ये हो जाएगा सभी का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज, अभी देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं, पास्ट ईयर क्वेश्चन आएगा तो आप समझोगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये। अरे ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे अटेम्प्ट लिखा नहीं, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है। अब सुनना, इसमें बस एक चेंज मैं आपको करा देता हूँ, आंसर में 3 की जगह 5 आएगा, ठीक है, ये गलत है। बस तो मैं आपको बताता हूँ एकदम आराम से, जस्ट सी द क्वेश्चन एंड सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। द रिविजन इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट स्लो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। आई वांट यू पीपल टू गिव इट अ ट्राई, ट्राई करो क्वेश्चन, आपको खुद से समझ जाएगा विदाउट सीइंग द आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि बिना आंसर के भी आप खुद से कर पाओगे। यहाँ पे आंसर को ऐसे लिखना है आपको समझ जाएगा, बट आई थिंक यू कैन योरसेल्फ अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द आंसर। अब मैं हो जाता हूं सुप सीट, करो करो करो। Yes, we will. I were able to get to the answer. What is the question? The question is, on completion of 60 years of age, as on 31st March 2017, Mr. Jain retired as a professor from a university. From 1st April 2017, he was appointed as chairman of SEBI for a period of 3 years. Unko SEBI ka chairman appoint kar diya gaya for a period of 3 years. Under the provision of SEBI Act, decide whether he can be reappointed on the same post after the expiry of original tenure. कि उनका 3 year का tenure खत्म होने के बाद में क्या उसको उन्हें reappoint किया जा सकता है क्या? Also state whether it could be possible for him to relinquish his office before the expiry of his tenure. वो अपने office को अगर अपने tenure के पहले छोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या क्या topics touch हो रहे हैं? सुना ध्यान से। Topics touch हो रहे हैं सबसे पहला tenure of चेयरमैन ऑफ सेबी, कि सेबी के चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है, वो रीअपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये टेन्योर वाली बात हुई। नेक्स्ट, अगर वो चाहता है तो वो पहले रिजाइन कर सकता है कि नहीं, तो ये दो प्रोविजन यहां पर टच होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 5 ऑफ सेबी एक्ट, रेड विल रूल 3 ऑफ सेबी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरमैन, मैड नहीं है ये एंड है, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स रूल 1992। सर हम यहां तक तो जैसे से याद रख लेंगे एज पर सेक्शन 5 ऑफ सेबी एक्ट, बट ये रूल 3 ऑफ सेबी टर्म्स एंड कंडीशन ये अगर याद नहीं रख पाए कोई परेशानी नहीं है, इट्स ओके। ओके, द चेयरमैन मे होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years subject to the maximum age of 65 years and he can be reappointed by central government. Yeh hume already pata hai provision kya hai, that a chairman can hold office and the members can hold office for 5 years, they can be reappointed subject to maximum age of 65. In the present case, Mr. Jain retired as a professor from the university on completion of 60 years of age. So, 60 pe retire hue the. As on 31st March and appointed as chairman from 1st April 17 for a period of 3 years. Fir wo 3 years ke liye yahan par kaam kar rahe hain. To 63 tak kaam karenge, fir kya wo wapas reappoint ho sakte hain kya? Agar wo wapas kaam bhi karte hain, main aapko answer modulate karke bata raha hu, agar wo answer kaam bhi karte hain wapas, to sirf kitne samay ke liye kaam kar sakte hain? 2 years, because 65 is the upper limit. I hope you understand. Conclusion, Mr. Jain can be appointed after expiry of the original tenure of 3 years, but only up to the age of 65 years, that is up to 31st March 2020, only for 2 years. Sirf 2 saal aur kaam kar payenge. Right to relinquish. Kya Mr. Jain chahe to chhod sakte hain kya? The chairman shall have the right to relinquish the office at any time before the expiry of the tenure by giving a notice of 3 months. 3 months rule padha tha humne. Kya agar maan lijiye, aapko nikala bhi jata hai, to nikala jayega 3 months notice ya 3 months salary deke, aur agar aap chhodna bhi chahte hain, to aapko 3 months notice deke chhodna hai. बहुत आसान, बहुत आसान। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर प्रोविजन पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, राइट? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% फोकस यहां पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स हैव एलिज्ड दैट मिस्टर जेड, अ मेंबर ऑफ सेबी, हैज पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन सम ऑफ द केसेस दैट केम अप बिफोर द बोर्ड एंड दैट इज ही मिसयूज्ड दिस पोजीशन एंड देयरफॉर ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, द कंप्लेनेंट सीक योर एडवाइस। एडवाइस करो। ये क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है और उसको निकाल देना चाहिए, तो आप बताइए आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। इसमें प्रोविजन कौन कौन सा आ गया? एक प्रोविजन दिमाग में क्लियर हो गया कि किन किन ग्राउंड पर एक व्यक्ति को निकाला जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा है वहां पर, अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है सेबी से किस किस ग्राउंड पर निकाला जा सकता है, सेबी की बात हो रही है। यस, अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया उसको निकाला जा सकता है। अ पर्सन इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
एंड डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट तो निकाला जा सकता है. इफ अ पर्सन हैज डन एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड तो निकाला जा सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट वॉज इफ अ पर्सन हैज अब्यूज्ड हिज पोजिशन तो उसको निकाला जा सकता है. आप देखते हैं क्या, देखो 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 देखो, अरे बहुत बढ़िया. रिमूवल ऑफ मेंबर सेक्शन 6 ऑफ सेबी एक्ट सेज के इन ग्राउंड्स पे ए बी सी डी पे आप रिमूव कर सकते हो. इन्होंने डी अच्छे से नहीं लिखा, ये दिस इज डी पॉइंट. तो अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, convicted by an offense of moral turpitude and in the opinion of central government has abused his position to render his continuance in the office detrimental to the public interest. उसको निकालने के पहले उसको reasonable opportunity of being heard दी जाएगी. तो हमने provision सही पकड़ लिया था. answer क्या है हमारा, देखो. in the present case a group of complainants have alleged that Mr. Z, a member of SEBI, has pecuniary interest in some of the case that came up before the board and he misused his position. And therefore, he should be removed from his office. तो ये तो केस बताया कि ऐसा है कि उसने मिसयूज किया, ऐसा वो कह रहे हैं और उसको निकाल देना चाहिए. Here above, complainants may approach the central government. उनको central government को approach करना पड़ेगा for removal of Mr. Z, a member of the SEBI. And if the central government is of the opinion, क्योंकि क्या लिखा है topic point में? Point में लिखा है if the central government is of the opinion that the person has abused his position and that has acted detrimental to the interest of investor, तब उसको निकाला जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि उसने अब्यूज किया है तो आपके लगने से कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर ये ओपिनियन आता है द पर्सन हैज मिसयूज्ड हिज पोजीशन एंड दैट इज एक्टेड इन द डेट्रिमेंटल, दैट इज एक्टेड डेट्रिमेंटल इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो उसको निकाल दिया जाएगा. देखो भाई लिखा है, एंड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द ओपिनियन दैट मिस्टर जेड हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन so as to render his continuation in the office detrimental to the public interest, the central government may remove Mr. Z from his office after giving him a reasonable opportunity of being heard in the matter. I hope you understand. Another easy question. Next aata hai powers and functions of SEBI. Koi pareshani ki baat nahi hai. Let's see. SEBI has undertaken inspection of books. Jo case study honge wo main aapko try karne ke liye dunga, theek hai na. SEBI has undertaken inspection of books and accounts and records of LR Limited, a listed public company. Specify measures that may be taken by SEBI. SEBI क्या क्या कर सकता है under SEBI Act to protect the interest of investor and securities market on completion of such inquiry. वाह, ये मैंने आपको बताया था. SEBI क्या क्या कर सकता है, आपको ध्यान रखना. मैं आपको powers पढ़ा रहा था revision के time पे, मैंने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले क्या है measures of SEBI, फिर है powers of SEBI under SEBI Act, फिर है powers of SEBI under SCRA. powers of SEBI under SEBI Act काफी important है. तो ये क्या बता रहे, question को बहुत carefully पढ़ना है. question को एक बार carefully पढ़ो, read the question by yourself. दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो स्टूडेंट को आंसर पता होते भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना था. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. यू विल बी अवेयर ऑफ द आंसर, आंसर के पॉइंट आपको पता है, लेकिन आपको यही समझ नहीं आ रहा ओके इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना है, तो फायदा क्या, आप लिख ही नहीं पाओगे. तो क्वेश्चन को एक बार केयरफुली पढ़ो, फिर आंसर पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये पॉइंट्स हमें लिखने हैं. दैट इज अ पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चंस. चल फटाफट से आ रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को रीड करो. आई गिव यू 20 सेकंड्स फॉर इट. चलिए आई गेस आपको समझ में आ रहा है की चीजें क्या है यहां पे. कीवर्ड जो ध्यान में रखना है, व्हाट आर द मेजर्स विच कैन बी टेकन बाय सेबी अंडर द सेबी एक्ट, कि सेबी एक्ट में क्या क्या मेजर्स ले सकता है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. ठीक है ना, तो यहां पे इंस्पेक्शन हो गया, इंक्वायरी हो गया, उसके बाद में क्या क्या कर सकता है, सुनना क्या क्या कर सकता है. सेबी कैन सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट टू बाय सेल एंड डील, suspend any office bearer of the stock exchange or self-regulatory organization from holding such position, impound and retain the proceeds of security in respect of any transaction which is under investigation. ये सब ताकत है SEBI की, SEBI कर सकता है to protect the investors under SEBI Act. Read करते हैं पूरा answer. As per section 11(4) of SEBI Act, the board may, by an order for reason to be recorded in writing, in the interest of investor or securities market, take any of the following measure, either pending investigation or inquiry on or completion of the investigation inquiry, namely these four. Okay. After passing of an order of an application made for approval of judicial magistrate of the first class, having jurisdiction for a period not exceeding 1 month, one or more bank account of the individual or person associated with securities market in any manner involved in the violation of any of the provision of the act, all the rules regulation made thereunder. क्या कह रहे हैं ये, कि आप बैंक अकाउंट वगैरह भी सीज कर सकते हैं.
However, only the bank account or accounts of any transaction entered therein, so far as it relates to the proceeds actually involved in the violation. जो प्रोसीड्स एक्चुअली वायलेशन में इन्वॉल्व है उन्हीं प्रोसीड्स के लिए बैंक अकाउंट को सीज कर सकते हो एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर शैल बी अलाउड टू बी अटैच्ड. और जो रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करते हैं वही आप अटैच कर सकते हो. और इसके तहत यू कैन डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलिनेट और दी असेट्स. आप साथ में उसको ये भी ऑर्डर कर दोगे कि द पर्सन कैन नॉट डिस्पोज ऑफ और एलिनेट दी असेट्स. ये जो आंसर है ना ये थोड़ा सा हटके आंसर है. हटके आंसर मतलब क्या है, हम जब अगर लेटेस्ट हमारा आईसीआई का मॉड्यूल देखते हैं तो लेटेस्ट आईसीआई के मॉड्यूल में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है. मतलब दिया हुआ तो कंटेंट तो यही है कि क्या क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो, फर्दर सस्पेंड कर सकते हो ऑफिस बेरर्स को, इंपाउंड कर सकते हो, फर्दर यू कैन डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन अटैच इन द सिक्योरिटीज मार्केट टू नॉट टू डिस्पोज और एलिनेट एनी ऑफ द असेट्स. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है. सुनना एक बात को बहुत केयरफुली. मैंने आपको पहले ड्यूरिंग द रेगुलर टीचिंग में मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि यार बाकी सारे क्वेश्चन तो आई वाज एबल टू फोरसी के क्या आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन में आई एम नॉट एबल टू फोरसी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो हाउ विल आई बी एबल टू आंसर, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन को यू टू मार्क्स स्टार मार्क कर दो या कोई भी ऐसा आपका मार्किंग करके रखो ताकि आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पूरा क्वेश्चन बैंक अगर गो थ्रू नहीं भी कर पाते हो तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वो तो गो थ्रू करना है. एज आई ऑलवेज से ऑफकोर्स यू हैव टू स्टडी वेरी थरली आप जब पढ़ रहे हैं, बट उसी समय पे आपको एक बैक ऑफ योर माइंड में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि एग्जाम के एक दिन पहले मुझे एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा. तो अभी से मुझे ये तैयारी करनी है कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे करूंगा. ये ट्रबल आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा फेस करते हैं, बट थ्योरी का भी अपना एक स्ट्रगल है. तो थ्योरी के अंदर आपको अभी से मार्क कर देना है कि देखो पूरा कंटेंट तो मैं पढ़ के जा रहा है, पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ पाएगा, तो मैं मार्क कर देता हूं वो सारे क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ूं. तो दिस वुड बी वन ऑफ दोस क्वेश्चंस, ठीक है. बाकी आंसर बड़ी बात नहीं कि सभी क्या क्या एक्शन ले सकता है. सभी एक्ट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, तो सभी ये सारे एक्शंस ले सकते हैं. यस पीपल, आपके हिसाब से प्लान करते चलो कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने हैं. मुझे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगेगा वो मैं बता दूंगा. चलिए, यस पीपल, अगला क्वेश्चन वापस वैसे ही स्टार मार्क आएगा. इजी क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझ नहीं, अरे इस क्वेश्चन में ये लिखना था क्या. कभी कभी एक व्यक्ति अटक जाता है. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच फॉलोइंग पावर्स में बी एक्सरसाइज बाय सेबी. सेबी ये पावर्स कब एक्सरसाइज करेगा. पहली पावर, प्रोहिबिशन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इश्यूइंग पब्लिशिंग एनी डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, ये हमने पढ़ा था. नेक्स्ट, पास सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर. तो एक कंपनी कब सीज, एक एंटिटी कब सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास करेगा या फिर कब प्रोहिबिट करेगा एक कंपनी को टू इश्यू एनी ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस. तो ये कंपनी कब करेगा, बिल्कुल कवर्ड है हमारे इसमें, राइट. एंड नेक्स्ट, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द कंपनीज अगेंस्ट सच ऑर्डर. और मान लीजिए सेबी ने जो ऑर्डर पास कर दिया आपके अगेंस्ट, सेबी आपके अगेंस्ट कब कब ये पावर ले सकता है, ठीक है. और अगर सेबी ने ऑर्डर पास कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, प्रोविजन कौन कौन सा है. एक तो प्रोविजन एप्लीकेबल है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस वाला, एक प्रोविजन एप्लीकेबल है सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर वाला, ये दोनों लिखोगे. फिर एक प्रोविजन यहां पे आएगा सैट के अपील वाला भी, कि अगर सेबी के ऑर्डर से आप खुश नहीं है देन यू कैन मेक एन अपील टू सैट. रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं आपसे ये. ऑर्डर ऑफ सेबी एंड रेमेडीज अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट, बेसिक ड्यूटी ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. अभी उन्होंने वापस ऐसी ऑब्जेक्टिव लिखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी को कहीं भी चिपका सकते हो. यहां पे पूरा लिख सकते थे पीपीआर, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. सेक्शन 11A स्पेसिफिकली इंपावर्स सेबी टू प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी. हमने पढ़ा है कि ये पावर है सेबी के पास, कभी भी प्रोहिबिट कर सकता है. हमने क्या पढ़ा था कि सेबी कैन इशू रेगुलेशन टू रेगुलेट द इशू एंड ट्रांसफर एंड सेबी बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग एनी प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट और गिव गाइडलाइंस गाइडेंस कंडीशंस. सो सेबी प्रोहिबिट कर सकता है फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर इफ सच प्रोहिबिशन इज नेसेसरी. According to Section 11D, SEBI can issue cease and desist order in respect of any listed company only if SEBI has reasonable ground to believe that the company has indulged in insider trading, market manipulation. कि कोई भी listed company के against एक ये order SEBI तभी pass कर सकता है cease and desist order when there is market manipulation and insider trading. साथ में एक और चीज जो यहाँ पे missing है जो I think होनी चाहिए वो क्या कि cease and desist order कब pass होता है, तब when SEBI when the company has violated the provision or is likely to violate the provision, when the entity has violated the provision or is likely to violate the provision, उन cases में cease and desist order pass होता है. तो ये दोनों provision लिखे. उसके बाद में अगर आप SEBI के order से खुश नहीं है, SEBI ने आपको prohibit कर दिया है या फिर SEBI ने आपके against cease and desist order pass कर दिए and you're not happy, तो आप क्या कर सकते, you can make an appeal to SAT. So appeal to SAT के provision शुरू कर दिए इन्होंने. The aggrieved company may make an appeal against SEBI
rules or regulation to SAT under 15T. Such appeal should be filed within 45 days from the date of copy of order is received by SEBI. SEBI ke paas, SEBI ke order ki copy jab company ke paas aayi hai, uske 45 days ke andar aap appeal kar sakte hain. If the company is agreed by the order of SAT, further appeal against the order of SAT can be made to Supreme Court within 60 days. Pura dimag mein clear hai hamare. From the date of communication of the order of SAT or any question of law arising on such order, the appeal lies only on question of law. Clear hai hum log? Otherwise, SAT ka order final hota hai. सिविल कोर्ट के पास यहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो अब हमने क्या सीखा, सुनो, हमने सीखा कि कहीं पे भी अपील की बात आती है कि सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे पास रेमेडी क्या है, तो आपको पूरी कहानी पूरा गाना गाएंगे यहां से लेकर यहां तक. क्या सीखा हमने यहां पे कि अगर कभी भी अपील के प्रोविजन आते हैं, अगर कभी भी अपील के प्रोविजन आते हैं कि अगर सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं तो क्या करेंगे, तो आप पूरा गाना गाकर आओगे एग्जाम में कि अगर सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं तो सेट का सबमिट कर सकते हैं 45 डेज के अंदर, अगर सेट के ऑर्डर से भी खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अदरवाइज सेट का ऑर्डर फाइनल होता है और सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. पूरा का पूरा गाना गाकर आओगे अगर कहीं पर भी पूछा गया कि सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो क्या होगा. और कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, पढ़ते ही पहले मन में सोचो कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल है, वो सारे प्रोविजंस फिर आपको लिस्ट डाउन करना है. अनदर इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन. चलो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा इजी लगेगा आपको. आई वांट यू टू ट्राई दिस फर्स्ट. मैं चाहता हूं आप ट्राई करो, आंसर मत पढ़िएगा, रीड द क्वेश्चन. इजी है, आप लोग आराम से कर लोगे. आई गिव यू 20 seconds. रीड इट अप, रीड इट अप. Yes, people. आशा करता हूं आपने रीड किया एक बार और आपने दिमाग में ऑलरेडी सोच लिया कि क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. दैट इज, दैट हैज टू बी द की, दैट आपको पहले से सोचना है व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, राइट. चलिए, मिस्टर रमन, एन इन्वेस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डीलिंग ऑफ हिज स्टॉक ब्रोकर. अपने स्टॉक ब्रोकर से बिल्कुल खुश नहीं है. हु इज रजिस्टर्ड विद दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज. मिस्टर रमन अप्रोचेस यू, आपके पास आ गया रमन, to guide him regarding the avenues available to him for making a complaint against the stock broker under SEBI. तो SEBI के तहत वो stock broker के against complaint करना चाहता है, तो वो आपके पास आ चुका है. And also the ground on which such complaint can be filed. और वो आपसे पूछना चाहता है कि मैं किस ground पे उसके against complaint कर सकता हूँ. You are required to briefly explain the answer to his queries. तो वो आपके पास आया कि मुझे stock broker के against complaint करनी है, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ. आप बेटा जी को बारे में, stock broker के बारे में ICAI ने क्या पढ़ाया है? ICAI ने स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताया कि उस पर तीन तरह के पनिशमेंट, तीन तरह की पेनल्टी हो सकती है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं करता है तो 1 lakh to 1 crore की पेनल्टी हो सकती है. अगर वो आपको टाइम पे पेमेंट या डिलीवरी नहीं देता है तो मिनिमम 1 lakh up to 1 lakh पर डे, अप टू 1 crore तक की पेनल्टी हो सकती है. और अगर वो आपसे एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लेता है तो मिनिमम 1 lakh एंड मैक्सिमम अप टू 5 times ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, ये पेनल्टी हो सकती है. तो यही ज्ञान आपको अपने क्लाइंट को दे देना है, बस. दैट्स इट. देखो आंसर क्या कह रहे हैं ये लोग, देखो यहां पे कि सिक्योरिटी सेबी एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर रेगुलेटिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट. वन ऑफ द फंक्शन इज टू रजिस्टर एंड रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर. इन द लाइट ऑफ दिस, मिस्टर रमन इज एडवाइज दैट द कंप्लेंट अगेंस्ट द एरिंग स्टॉक ब्रोकर मे बी सबमिटेड टू सेबी. द ग्राउंड ऑन विच द डिफॉल्ट फॉर विच कंप्लेन मे बी मेड टू सेबी आर एस फॉलोस. किन किन ग्राउंड पर आप कंप्लेन कर सकते हैं. पहला, फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया. Any failure to deliver any security or failure to make the payment, deliver a security नहीं किया. And C, any collection of charges by way of brokerage which is in excess of the brokerage. तो ये तीन ग्राउंड है जिस पर आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो. टिंग टिंग टिडिंग. हम लोग एग्जाम में उसका पेनल्टी भी लिख कर आएंगे क्योंकि इतनी मेहनत करके पढ़ाए, तो लिख कर आएंगे ना. क्लियर है क्या बेटा जी? सुपर इजी. आ हा हा हा, लड्डू क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप ही बच्चे ट्राई करो, ये भी आप कर लोगे, ये भी आप मस्ती में कर लोगे. आई नो आप कर पाओगे. करके आप सोचते हैं इसके आंसर में आपको क्या लिखना है. थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट.
Yes, we will. I hope you've read. Answer का आपको समझ में आ गया कि क्या content है दिमाग में provision चिपक जाने की क्या क्या provision applicable है. Right. On the complaint of Mr. Kamlesh Gupta. Kamlesh को जानते होंगे ना, Kamlesh Gupta. After an inquiry, SEBI finds that Mr. P. Mehta, a chief executive officer of the company, on the basis of unpublished price sense information, has indulged in trading of the securities of the company. एक व्यक्ति ने unpublished price sensitive information के basis पे उस company के shares में trade किया है. क्या किया इसने? Insider trading. On the basis of the said finding, what actions SEBI can take against Mr. P. Mehta under the SEBI Act 1992. कुछ misprint होगा, ठीक है ना? तो सवाल ये कि एक व्यक्ति ने unpublished price sensitive information के बेस पे ट्रेड किया और अब उसके अगेंस्ट SEBI क्या एक्शन ले सकता है. पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए दैट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेस पे ट्रेड करना इज इनसाइडर ट्रेडिंग. अगर आपको नहीं पता है ये बात तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, बट मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये पता है. तो अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेस पे ट्रेड किया मतलब उसने इनसाइडर ट्रेडिंग किया. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अगर एक व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया तो SEBI उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है? पेनल्टी में पड़ कर रहे हैं हम लोग. अगर एक व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है तो SEBI कैन ऑर्डर पेनल्टी मिनिमम ऑफ 10 लाख रुपीज, मैक्सिमम ऑफ A 25 CR, B 3 times of profit made, whichever is higher. ये penalty impose कर सकता है. और साथ में एक और चीज पढ़ेंगे इस आंसर में, काफी important है. Focus करना अच्छे से. Section 15G of SEBI Act deals with penalty for insider trading. According to this, if any insider, either on its own behalf or behalf of any other person, deals in securities in a body corporate or communicates any unpublished price sensitive information to any person with or without his consent or counsels or procures for any person to tell him person to deal any security or any corporate from the basis of unpublished price sensitive information shall be liable to penalty. इन सब का मतलब insider trading है कि मेरे पास कोई unpublished price sensitive information है, मैं उसमें deal कर रहा हूँ, या फिर मैं unpublished price sensitive information आगे किसी के साथ share कर रहा हूँ, ये सब चीजें cover होती है insider trading में. Penalty क्या लगेगी? 25 crore rupees और 3 times of profit made out of insider trading, whichever is higher. And minimum penalty is 10 lakh rupees. अब सुनना मेरी बात को. ये answer है ना, ये ठीक है. एक बेटर आंसर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और रेदर छोड़ो आई थिंक ICAI वो सब चीजें इंक्लूड नहीं करता, बट प्रैक्टिकली कैसा होता है एक और चीज बताता हूँ, सुनना मेरी बात को 100%. हम बच्चों ने एक तो पेनल्टी पड़ी है यहाँ पर 15 के सीरीज में कि अगर किसी व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है तो उस व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है तो उसके ऊपर मिनिमम 10 लाख का फाइन लगेगा, मैक्सिमम 25 crore और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, हायर ऑफ द टू का फाइन लग सकता है. क्लियर है? तो क्या इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की है तो उस पर कभी इंप्रिजनमेंट ही नहीं हो सकता है? Now remember, मैंने आपको मिसलिनियस प्रोविजन में एक टॉपिक पढ़ा था कि पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन. वहां पे क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने अगर SEBI एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन किया है तो ही कैन बी पेनलाइज फॉर इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड पेनल्टी अप टू 25 CR. आपको समझ में आ रहा है? तो ये सारा इन लाइन चलता है. समझना कैसे? अगर आज कोर्ट के सामने, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आंसर के लुकआउट से तो आंसर काफी होता है, खत्म होता है, हर एक बच्चा यही सोचता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं. प्रैक्टिकली कोर्ट के सामने अगर इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई केस आता है तो समझो कोर्ट सबसे पहले उसके ऊपर कितना फाइन कर सकता है, मिनिमम 10 लाख रुपीज, मैक्सिमम 25 crore और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, व्हिचएवर इज हायर. साथ में कोर्ट उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट भी इंपोज कर सकता है. व्हाई? बिकॉज SEBI एक्ट ऑथराइजेस द कोर्ट, मतलब हमारा जो भी सेट आ रहा है, जो भी जिसके पास भी केस गया है, वो द अथॉरिटीज authorized to even impose an imprisonment of up to 10 years. Clear? तो अगर मैं इसका answer बहुत ही एकदम apt answer लिखता हूँ, तो पहले तो लिख दूँ it is covered under insider trading. Then the penalty which SEBI can impose is minimum 10 lakh rupees up to maximum A 25 CR, B 3 times of profit made, whichever is higher of these two. Okay. SEBI can also order imprisonment of up to 10 years under SEBI Act. I hope you understand me. That has to be the most perfectly appropriate answer. ठीक है, चल, आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली. नेक्स्ट इज, ये तो आपको पता ही है, वापस रिपीट टाइप का क्वेश्चन है. रीड करो क्वेश्चन को एक बार, रिपीट टाइप का क्वेश्चन है. रीड करो एक बार क्वेश्चन को, मतलब जो हम आंसर ऊपर पढ़ चुके हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है. रीड इट वंस, रीडो. चलिए, I guess आपने रीड किया होगा. What the defaults for which stock broker may be penalized in the provision of SEBI Act in respect of dealing with the investor. State the factors that must be taken into account by the adjudicating officer while determining the quantum of penalty. दो चीजें पूछ ली. पहली चीज पूछ ली कि स्टॉक ब्रोकर को किन किन उससे क्या क्या पेनल्टी लगा सकते हो. तो वही तीनों चीजें लिखेंगे कि या तो उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, या पेमेंट और डिलीवरी नहीं कर रहा है टाइम पे, या फिर उसने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया, तो उसकी रिस्पेक्टिव पेनल्टी जो हमने देखा. एडजुडिकेटिंग फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इंपोज करता है, ये हमने पढ़ा. क्या
disproportionate gain, unfair advantage, amount of loss caused to investor investor group, repetitive nature of default. इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेट आपका जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो पेनल्टी इंपोज करता है, वही सब कि फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट डिलीवर, ये पेनल्टी हो सकती है. और उसके बाद में क्या लिखा है नेक्स्ट कि ये तीन अमाउंट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट गेन एंड अनफेयर एडवांटेज, अमाउंट ऑफ लॉस टू इन्वेस्टर इन्वेस्टर ग्रुप, रिपेटिटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपके ऊपर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी इंपोज करता है. आई गेस द चैप्टर इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड इजी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. यस पीपल, चल गिव इट अ रीड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन इज कि आपके दिमाग क्लियर है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ये आंसर करें. कभी कभी यही कि आपको आंसर का कंटेंट पता है पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में आंसर करना, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड आई डोंट होप यू इवन लूज अ सिंगल मार्क व्हेन इट कम्स टू सेबी एक्ट. सेबी एक्ट एलओडीआर में आप एक भी मार्क को लूज नहीं करके आएंगे. चलिए यस वी विल. चलिए सो क्या लिखा है, सेबी रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम सम इन्वेस्टर एलिजिंग दैट एबीसी लिमिटेड एंड सम ब्रोकर्स आर इंडल्जिंग इन प्राइस मैनिपुलेशन इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड. उनका कंप्लेन है कि प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं. एक्सप्लेन द पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेबी अंडर द सेबी एक्ट इन केस द एलिगेशंस आर फाउंड टू बी करेक्ट. कि प्राइस मैनिपुलेशन कौन सी पेनल्टी में आता है, याद आ रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग, उसके बाद में नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, एंड उसके बाद में क्या था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मार्केट मैनिपुलेशन. याद आ रहा है आपको, देखो क्या लिखा है, फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उसके अंदर मार्केट मैनिपुलेशन आएगा. 100% फोकस यहां पे. प्राइस मैनिपुलेशन इन द शेयर ऑफ द मार्केट कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो हमने तीसरी पेनल्टी पड़ी थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी. फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट उसे माना जाएगा. इन दिस केस सेबी मैक्स हैज द फॉलोइंग पावर्स. क्या है उसके पास में, बेसिकली सस्पेंड द ट्रेडिंग, रिस्ट्रेन द पावर्स, ये तो कर ही सकता है. मैंने उस टाइम पे ही बोला था आपको कि सेबी एक्ट, सेबी की पावर्स अंदर सेबी एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसी में आप रिस्ट्रेन कर सकते हो, आप किसी को सस्पेंड कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, ये सब तो आप कभी कर सकते हो. साथ में यू कैन ऑल्सो प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट टू बाय सेल एंड डील इन सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी आप कर सकते हो. ठीक है, ये सब चीज़ अच्छी बात है. उसके बाद में आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी है, और उसके बाद में आप आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी उसको पेनल्टी इंपोज कर सकते हो. कितना, 25 crore और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड. और मिनिमम पेनल्टी यहाँ पे थी 5 lakh rupees की, मिनिमम पेनल्टी यहाँ पे थी 5 lakh rupees की. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद यहाँ पर एक और चीज सरप्राइजिंगली क्या कि हम यहीं पर रुक जाते हैं जनरल एक स्टूडेंट, बट यार कभी कभी ICAI क्या करता है सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन में जो टॉपिक होता है वो टॉपिक पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज किया तो वो भी लिख देता है रेफरेंस. तो आपने एक और सेक्शन पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस की, डिसेप्टिव डिवाइसेस वगैरह यूज नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो भी पूरा सेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यूजिंग ऑफ मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइसेस, एम्प्लॉय एनी स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड, एंगेज इन एनी एक्ट व्हिच विल ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट इन एनी पर्सन, ये सभी कर सकते हैं. पेनल्टी कितना हो सकती है आपका, सेबी में इंपोज पेनल्टी ऑफ 1 crore एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट. ये ऐसा, तो ये इन्होंने क्या किया, ये एक थोड़ा सा सरप्राइज आंसर है. लुक, बाय रीडिंग द क्वेश्चन वी फील द क्वेश्चन इज सुपर इजी, बिकॉज हमें क्या ही लिखना है, हमें इतना सा लिखना है भाई साहब कि ये मार्केट मैनिपुलेशन, प्राइस मैनिपुलेशन है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा. मिनिमम 5 lakh एंड मैक्सिमम 25 crore और 5 times ऑफ प्रॉफिट मेड, ये हम लिख देंगे. लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऐड कर दी. सो दीज आर दोज क्वेश्चन विच एज अ स्टूडेंट आई वुड मार्क कि हाँ ये एग्जाम के एक दिन पहले भी देख के जाना है. कोई भी चीज़ ऐसी सरप्राइज नहीं कि हमको पता ही नहीं है, सारी चीज़ हमें पता है, बट वी आर नॉट अवेयर कि इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ों को ऐड क्यों करेंगे हम. बट सेबी ने इसके आंसर में सारी चीज़ों को ऐड किया. तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ हमारे चैप्टर में होती है वो सारी चीज़ों का वहाँ पे मेंशन कर देते हैं. दिस इज समथिंग टू लर्न. ओके, या नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, बहुत ईजी है. देखना, मिस्टर क्लेवर हु इज रजिस्टर्ड एज एन इंटरमीडियरी फेल्स टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट एंड हेंस पेनलाइज्ड बाय सेबी अंडर 15B ऑफ सेबी एक्ट, एडवाइज मिस्टर क्लेवर एज टू व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम. दो प्रोविजन है यहाँ पे. सबसे पहला प्रोविजन क्या गया कि भाई साहब किसी ने अगर अपने क्लाइंट से अग्रीमेंट नहीं किया है तो उसमें पेनल्टी हो सकती है. हाँ, हमने पढ़ा था फेल टू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट विद द क्लाइंट,
पेनल्टी पड़ी थी इसकी हमने, इजी रेगुलर पेनल्टी थी। उसके बाद में अगर आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे कहानी आ जाएगी। सबसे पहली चीज कि भाई साहब अगर किसी भी इंटरमीडिएट ने अपने क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट नहीं किया तो उस पर पेनल्टी कितनी हो सकती है, मिनिमम 1 लाख अप टू 1 लाख पर डे, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अपना अपना तरीका हो सकता है। यहां पर हम कैसे लिखते हैं, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़, दैट इज मोर लॉजिकल। ओके, देन अब रेमेडीज क्या है, तो इन्होंने क्या लिखा है, टू रेमेडीज, ऐसा कोई टू रेमेडीज नहीं है, बट देखो कैसा लिखा है, अपील टू सैट, आप सैट के पास अपील कर सकते हो, फिर पूरा गाना गा लो कि सैट के पास अपील कर सकते हो विदिन 45 डेज। ओके, अगर आप डिले कर दिए 45 डेज में अपील नहीं कर पाए तो आप फर्दर आगे भी अपील कर सकते हो, बट सैट शुड बी सैटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज, एंड इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ सैट देन यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो रेमेडीज नहीं है, दो रेमेडीज नहीं है, इसको यही समझो, पहले सैट के पास जाओगे और सैट के ऑर्डर से कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे आप 60 डेज में ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसमें अगर आप 60 डेज के लेट जाते हो तो विद इन नेक्स्ट फर्दर 60 डेज में भी जा सकते हो, बट देन सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी सैटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट कॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मेरी बात को सुनना, गांठ बांध देना एक बात को, कि कभी भी अगर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेबी के ऑर्डर से आप खुश नहीं है तो आपको पूरा गाना गाना होगा। गाना कहां से शुरू करोगे, कि सैट के पास अपील करोगे 45 डेज में, उसमें ये भी ऐड कर दोगे अगर 45 डेज में नहीं कर पाए तो आप फर्दर भी कर सकते हो, अगर आपको क्या करना होगा, सैट को शो करना होगा सफिशियंट कॉज है, ठीक है। फिर अगर आप उसके बाद में अगर सैट के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट विदिन 60 डेज में नहीं गया तो नेक्स्ट 60 डेज फर्दर 60 डेज में भी जा सकते हो, बट वहां पर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। इसके बाद में कहानी में ये भी लिख देना कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अदरवाइज सैट का ऑर्डर इज फाइनल एंड द सिविल कोर्ट हैज गॉट नो ज्यूरिसडिक्शन व्हेन इट कम्स टू केसेस अंडर सेबी एक्ट। ये पूरा गाना गाना आपको लिखना है, जहां पे भी अपील की बात आए कि सेबी के ऑर्डर से आप खुश नहीं है तो क्या करेंगे। आई होप यू क्लियर, ये पूरी गाना खा के आपको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, हा हा कोई बड़ी बात नहीं है, वापस सिमिलर क्वेश्चन, बहुत आसान। यस पीपल, वापस गाना गाने की बात आ रही है। आई पे अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ICAI एक ही तरीका है उसको बहुत फ्रीक्वेंटली उसी पे अटका हुआ है। रीड करो क्वेश्चन, आई गिव यू 20 सेकेंड्स। यस पीपल, मिस्टर डीबी is a member of RPA. He obtains an order against the company for redressal of his grievance under the company, but the company fails to redress the grievance of DB within time fixed by SEBI. The board therefore imposes a penalty upon the company under section 15C of SEBI Act. Seeks your advice. The company seeks your advice whether it is there is any remedy under the order of SEBI. Kis SEBI ke order ke baad main kuch kar sakta hoon kya? Ji bilkul kar sakte ho. Gana gana shuru kar do. कि सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सैट के पास जा सकते हो विदिन 45 डेज, आपको जाना है 45 डेज में नहीं गए तो बाद में भी आप जा सकते हो, बट आपको सफिशिएंट कॉस्ट शो करना पड़ेगा। सैट के ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं है तो आप जा सकते हो विदिन 60 डेज, सुप्रीम कोर्ट अगर 60 डेज में नहीं जाते हैं तो फर्दर 60 डेज में जा सकते हैं, आपको सफिशियंट कॉस्ट शो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अदरवाइज सैट का ऑर्डर फाइनल होता है एंड सिविल कोर्ट हैज गॉट नो ज्यूरिसडिक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। हम पूरा गाना गा के आएंगे ताकि कहीं कुछ हमारा कंसेप्ट कंटेंट में शॉर्ट कमिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सवाल ही पता नहीं होता, ये तो आप नींद में भी बोल दोगे। व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सैट। आपके दिमाग क्लियर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स ऑफ सैट। तो सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 7 ईयर्स, जुडिशियल मेंबर अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, टेक्निकल मेंबर अ जज ऑफ सॉरी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द यूनियन गवर्नमेंट और इक्वलेंट पोस्ट इन स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट फर्दर या फिर और सेकेंड अ पर्सन Second, a person of ability, integrity and standing who has professional experience, who has special skills and professional experience of at least 15 years in the given 4 field. Commodity, derivative, bol do, insurance, bol do, aisa karke 4 field de di, securities market. Right? Done. Uske baad mein question number 13 aa jata hai. Aa jao yahan pe. Bahut easy question. Give it a read yaar. Ye sab to aap neend mein bhi kar loge. Give it a read. Fast. I hope आपको बहुत आसान लग रहा होगा और आप एग्जाम में फोड़ दोगे मस्ती में। चलिए आओ, गिव टू रीड फॉर एवरी क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स टू रीड। ओके, उधर एक मैं बीच में नहीं आ रहा हूं।
Yes, we will. Mr. S, a member of MN Limited, obtained an order from the SEBI against the company, but the company failed to redress the grievance of Mr. S within the time fixed. Okay, grievance ko time period mein fix nahi redress nahi kar paaye. Consequently, SEBI imposed penalty on the company. SEBI ne penalty imposed kar di. The company, however, did not pay the penalty. Said how the penalty can be recovered from the company. Ki kis prakar se ye penalty recover ki ja sakti hai company se. कि किस प्रकार से ये पेनल्टी जो है वो कंपनी से रिकवर की जा सकती है. हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर पेनल्टी पे नहीं करता है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर चार तरह से रिकवर कर सकता है. अगर डिटेल में जाऊं तो रिकवरी ऑफिसर आ जाता है, एक सर्टिफिकेट बनता है और उसके बाद में चार नहीं पांच तरीके से. सबसे पहला क्या, सबसे पहले अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर भी नहीं होता है सो देन डिटेंशन ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड डिटेंशन इन प्रिजन, एंड देन इफ इट ऑल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बाकी है सो देन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. और इस तरह से आप उससे रिकवर कर सकते हैं आपके ड्यूज. टिंग टिंग टिडिंग, आर वी अंडरस्टैंडिंग. फर्दर द एक्सप्रेशन रिकवरी ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर ऑफ द बोर्ड हु मे बी ऑथराइज्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिकवरी ऑफिसर. रिकवरी ऑफिसर शैल बी इंपार्ट टू सीक द असिस्टेंस ऑफ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेल एक्सरसाइजिंग द पावर. हमने डिस्कस किया था कि जरूरत नहीं थी इस आंसर में, बट फिर भी कि अगर जो हमारा ये है ना रिकवरी ऑफिसर, उसको ये सब करने के लिए अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, मतलब पुलिस की जरूरत है, तो वो ले सकता है. राइट, सुपर इजी क्वेश्चन नंबर 14. ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. सिमिलर चीज है, नहीं नहीं ये उतना अच्छा नहीं है. एक और अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज, मजा आएगा. पास ईयर क्वेश्चन है, देख लो बहुत आसानी से कर लोगे. यू हैव 30 seconds हियर, 30 seconds. ओके, यस पीपल किल इट. ऑफो, आई होप आपने एक बार रीड किया. देखो क्या लिखा है, मिस्टर रवि फेल टू पे द पेनल्टी इंपोज बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेबी एक्ट आफ्टर द पेनल्टी हैज बिकम ड्यू. मिस्टर रवि अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू हिज सिस्टर एंड द फिक्स डिपॉजिट विद बैंक इन द फेवर ऑफ हिज माइनर सन. तो उसने माइनर सन को कुछ ट्रांसफर कर दिया और सिस्टर को कुछ ट्रांसफर कर दिया. द माइनर सन हैज नाउ बिकम मेजर एंड डिपॉजिट कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय हिज सन. कहानी अच्छी है. With reference to the provision of SEBI Act, discuss one whether the residential property and the fixed deposit with bank can be attached by recovery officer for the purpose of recovery of penalty. I hope आपके दिमाग में अच्छे से बैठ रहा है कि recovery officer जब penalty की recovery करता है तो वो कैसे करता है. वही हो गया attachment and sale of movable property, attachment of bank account, attachment and sale of immovable property, then arrest of the person in detention in prison and appointment of recovery officer if necessary for the management of movable or immovable property. अगर बची property sell नहीं हुई है तो ठीक है. लेकिन यहां पर अगर जो व्यक्ति है, जो ऑफेंडर है, उस व्यक्ति ने क्या किया कि मेरा प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगा, उस चक्कर में उसने अपनी प्रॉपर्टी चार लोगों को, चार स्पेसिफाइड लोगों को अगर ट्रांसफर की है तो रिकवरी ऑफिसर फिर भी उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है. ठीक है, उसमें सिस्टर कवर नहीं होती. उसमें सिस्टर कवर, हमने पढ़ा स्पाउस कवर होता है, माइनर सन कवर होता है, राइट, उसके बाद माइनर चाइल्ड कवर होता है, सॉरी माइनर चाइल्ड कवर होता है, उसके बाद में आपकी बहू योर सन स्पाउस, सन्स वाइफ कवर होता है, और उसके बाद सन्स स्पाउस बेटर वर्ड है सन्स वाइफ से भी. चलो छोड़ो यहाँ पे, हम लोग ज्यादा उस पर डिस्कशन में नहीं चाहते. ठीक है, सो सन्स वाइफ कवर होता है, उसके बाद में आपका जो ग्रैंड डॉटर साइड ऑफ है ना, पोते पोती, वो सब भी कवर होते हैं. इनको अगर ट्रांसफर किया तो सिस्टर कवर नहीं होता है. तो सिस्टर के पास जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गई ना, उसको अटैच नहीं कर पाएगा रिकवरी ऑफिसर अंडर सेबी एक्ट. लेकिन जो माइनर सन के फेवर में डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट के, वो बिल्कुल अटैच हो जाएंगे. सर लेकिन बाद में जो माइनर सन मेजर हो गया, फर्क नहीं पड़ता, जब ट्रांसफर किया था तब वो माइनर था ना, सो दिस कैन बी अटैच्ड. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई गेस आप लोग खुद से कर पाए. सेकंड, वेदर द रिकवरी ऑफिसर कैन सीक द असिस्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी. यस इट कैन, ऑफ कोर्स, कोई डाउट ही नहीं है, ही कैन. ये आंसर देख लेते हैं. एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 28A ऑफ सेबी एक्ट, If a person fails to pay the penalty imposed by the adjudicating officer, the recovery officer may draw up under his signature a statement in the specified form specifying the amount due from the person and shall proceed to recover such person the amount specified in the certificate
बाय द मोड स्पेसिफाइड इन द सेट सेक्शन, किस सेक्शन कुछ मोड स्पेसिफिक है उस तरह से आप मनी रिकवर कर सकते हो। कौन सी मनी रिकवर कर सकते हो बेटा जी, जो उसकी ड्यू है, एक सर्टिफिकेट बनाने का, रिकवरी सर्टिफिकेट बनता है। As per the explanation, the person's movable or removable property or money is held in bank account shall include any property money held in bank account which has transferred directly or indirectly on or after the date when the amount specified in certificate has become due. Certificate बनने के बाद अगर उसने कोई भी property transfer की है by the person to his spouse, minor child, son's wife, son's spouse, सब चाहिए यहाँ पे छोड़ो, and son's minor child. इन सबके फेवर में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो जो है ना वो प्रॉपर्टी फिर भी अटैच हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लो जिसको माइनर को ट्रांसफर किया वो मेजर हो गया है तो देखो, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन एंड व्हिच इज हेल्ड बाय और स्टैंड इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पर्सन्स अफोर्सेड, सो फार एज द मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी मनी हेल्ड इन द बैंक अकाउंट सो ट्रांसफर टू हिज माइनर चाइल्ड और हिज सन्स माइनर चाइल्ड इज कंसर्न, इट शैल इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी, इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी बाय सच माइनर चाइल्ड और सन्स माइनर चाइल्ड इज द केस में बी कंटिन्यू टू बी इंक्लूड इन द पर्सन्स मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन बी अटैच्ड। इन्होंने पूरा एकदम लैंग्वेज में लिखा, आप ऑफकोर्स कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है, हमें अपनी लैंग्वेज में यही कंटेंट लिखना है कि भाई साहब इन चारों के फेवर में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन उसको अटैच किया जा सकता है, और इस केस में जो सिस्टर को क्या हो तो अटैच नहीं कर पाएंगे लेकिन माइनर सन को क्या अटैच हो जाएगा, बिकॉज भली वो मेजर हो गया है इवन आफ्टर द पर्सन हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी फिर भी उसको अटैच किया जा सकता है, दैट इज द प्रोविजन। ओके, थereafter is he allowed to seek the assistance of local administration? Yes, for the 28A state that the recovery officer shall be empowered to seek the assistance of the local administration while exercising his powers. अब इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन, ये आंसर कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, ये बोल रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो सिस्टर को दे दी वो तो अटैच नहीं कर पाएंगे लेकिन जो एफडी माइनर सन को दिया था और भले वो माइनर सन अब मेजर हो गया है उसको हम अटैच कर लेंगे। और क्या हमारा व्यक्ति, हमारा रिकवरी ऑफिसर क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। आई होप यू आर ऑल सॉर्टेड, राइट? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। चलिए इसके अलावा कुछ और भी एकदम नजदीकी वाले पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूँ, फोकस करना अच्छे से। यस, ठीक है, ये कुछ और पास्ट ईयर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। कहां से दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये रवि वाला तो देख लिया है, 8th से आ जाओ। यस, सी दिस क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप बच्चों ने क्या करना है पहले पूरा क्वेश्चन खुद से सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, यू टू थिंक इन फ्रॉम योर, देखो मैं बता दूंगा फिर तो आपको लगेगा ना हाँ, उसमें मजा नहीं है ना, सो गिव इट अ ट्राई, यू गिव इट अ ट्राई, ठीक है। और बेटा जी अगर देखो जो लाइव देख रहे हैं उनके ऐसे चॉइस नहीं है, लेकिन जो बच्चे बाद में देख रहे हैं ना वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप मैं आंसर बताना शुरू कर दूं तब तक आपने ट्राई कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको पॉज कर दो, पहले पूरे दिमाग के हिसाब से सोच लो कि आपका ओपिनियन फॉर्म कर लो कि आंसर क्या है, एंड देयर आफ्टर सी माय डिस्कशन ऑफ द आंसर। ओके, आई वांट यू ऑल टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई करो, बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका एक बहुत मजेदार क्वेश्चन लास्ट वाला है, लास्ट का क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है, ये वाला ट्राई करो, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इट अप, यस वी विल, गिव इट अ ट्राई। Yes, we will. Chali. The composition of audit committee of Messrs. MKBTC Limited, an unlisted public company, as on 31/3/2019, comprised of 7 directors. Audit committee में 7 directors से चलेगा? हाँ, minimum 3 होनी चाहिए, चलेगा. Including 4 independent director. ठीक है. Minimum 3 भी क्या? Listed बना. अभी तो unlisted है, कुछ भी चलेगा. The majority of members of the audit committee has the ability to read and understand the financial statement, but none of them has accounting related or related FM expertise. ठीक है, for an unlisted है ना, unlisted में तो requirement ही नहीं है, listed पे requirement आती है, कोई परेशानी नहीं है. The company listed its securities in a recognized stock exchange in the month of August, referring to the regulation of SEBI Act, SEBI LODR regulation 2015, decide whether the existing audit committee can continue. नहीं, एग्जिस्टिंग ऑडिट कमिटी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, मतलब कर पाएगी भले ही लेकिन उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, तो इसको हम आंसर देते हैं एलओडीआर कमिटी। सबसे पहले एलओडीआर रेगुलेशन अपेक्षा करता है हर एक लिस्टेड कंपनी से टू फॉर्म अ
इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी फॉर्म। फिर हम पूरे प्रोविजन लिख देंगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट, एटलीस्ट वन शुड हैव एन एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, राइट, एंड द चेयरमैन हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये प्रोविजन कॉम्पोजिशन लिख देंगे और फिर कह देंगे कि यहाँ पे तो क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो मिनिमम 3 तो है लेकिन 7 में से 4 इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें तो 2/3 चाहिए, तो 7 का 2/3 करेंगे उतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो तकरीबन हमें 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए 2/3 करेंगे तो। एनी प्रपोर्शन नेक्स्ट पे शिफ्ट करना होता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मेजोरिटी हैव अबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, नहीं मेजोरिटी से नहीं चलेगा, ऑल द डायरेक्टर्स शुड हैव एन अबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, बट नन ऑफ देम हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड एफएम एक्सपर्टीज, नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट वन शुड हैव एन अकाउंटिंग और एफएम एक्सपर्टीज। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, इजी क्वेश्चन था, इस तरह से आपने आंसर फॉर्म करना, ठीक है। आंसर कैसे लिखोगे, अब आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया कि पहले आप प्रोविजन लिख दो पूरा कि ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, फिर कंक्लूजन कर दे, इन दिस केस मिनिमम आपके 7 है चलेगा लेकिन 4 नहीं, वी नीड मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, फर्दर ऑल ऑफ देम शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट एंड एटलीस्ट वन शुड बी एन एक्सपर्ट। तो ये कंक्लूजन में लिख दिया, सो दे विल हैव टू मेक सम चेंजेस टू देयर ऑडिट कमेटी एंड दीज आर द चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इट अ ट्राई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गिव इट अ ट्राई, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आपको कह रहा हूं मजा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप फोड़ के आओगे यार, सभी एक्ट के अंदर एक भी मार्क आपका इधर का उधर नहीं होना चाहिए। ट्राई दिस क्वेश्चन, यहां पे मैं आपको, आप भी क्या याद रखोगे यार, आपको पूरा 1 मिनट दे दिया, आपको पूरा 1 मिनट दे दिया, वंडरफुल। अग्रवाल साहब बता रहे हैं कौन कौन सा रेगुलेशन भी एप्लीकेबल है, वंडरफुल। अजी गिव इट अ ट्राई, चलिए। ग्रोवल लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी हैज रिसेंटली बीन लिस्टेड, लिस्टेड है भैया। द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल्स ओनली, वंडरफुल। इट हैज 12 डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड, बोर्ड में 12 डायरेक्टर्स है, ओके। द कंपनी अप्रोच्ड यू सीकिंग योर एडवाइस रिगार्डिंग द फॉलोइंग एज पर द सर्कमस्टेंसेस स्टेटेड बिलो, आपकी एडवाइस मांग रहे हैं। पहला, वॉट शुड बी द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि एलओडी रेगुलेशन सेज देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ executive and non-executive director and 50% of the total directors have to be non-executive, 50% of the total directors have to be non-executive, okay. What should be the minimum number of independent directors in case the chairperson of the board of directors is a non-executive director? If the chairperson is a non-executive director, then you just have to appoint 1/3 of the total members as independent director, 1/3 of the total directors should be independent directors. So now, what should be the minimum number of independent director in case the company does not have a regular non-executive chairperson? Agar non-executive chairperson nahi, otherwise case a gaya, then you will have to appoint 1/2 of the total directors as independent director. What should be the minimum number of independent director in case whether regular non-executive chairperson, non-executive hai, achhi baat hai, is a promoter of Growell and is related to any the promoter, blah, 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 blah. To kya hoga? Still you will have to appoint 1/2 of the total directors as independent director. Agar aapka bali chairman non-executive hai, but wo promoter ya related to promoter ya related to the senior management hai, BOD or one level below BOD, to us case mein wahi ho jayega yaar, kya ho jayega yaar, then us case mein aapko 1/2 of the total directors should be independent director. Referring to the, I hope you're understanding. Clear hai yaar? Chali. Yes, okay. Yes, people. ये एग्जाम क्वेश्चन ही चल रहा है ना, नीचे मैंने अटेम्प्ट लिखा है बेटा जी, हाँ ठीक है ना, अग्रवाल साहब, जैन साहब, है ना, एग्जाम क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ये मैं पास एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है बेटा जी, नीचे अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है। चलो ये हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है। यस, अब आएगा धुआंधार क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को आप करते हो ना तब आएगा मजा, इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो ना तब आएगा मजा, ये क्वेश्चन करके दिखा दो, मतलब मैं कह रहा हूं दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये क्वेश्चन करके दिखा दो ना अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन आपको रीड करने में परेशानी होगी ना, तो इसको दो पार्ट में मैं रीड करा रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं हर एक बालक ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने की कोशिश करनी है, मजा आ जाएगा। पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपको रीड करने के लिए दूंगा। रीड द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इन वंडरफुल फैशन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनाया यार, आ जाओ गिव इट अ ट्राई। आई होप आपने रीड किया है, चार मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको 1% भी इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सी व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू एट द एंड, स्टेट हाउ अ क्वालिफाइड एंड एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहां पे आपको ज्ञान नहीं बांटना कि इन्होंने क्या किया, आप बताओ कि कैसे क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी होनी चाहिए। तो आपको पूरा एलओडीआर रेगुलेशन का प्रोविजन लिख देना है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 2/3 should be independent directors, all should be financially literate, 1 should be an expert of accounting or finance, the chairman has to be a independent director. ये पूरा लिख दो, खत्म हो गया। अब next question, state whether the present constitution of audit committee is in order and whether it can continue post listing of the securities. तो हमें लिखना है कि नहीं, post listing नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, समझना अच्छे से, क्यों नहीं चलेगी। मिनिमम 3 members हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अब इसमें देखो कौन कौन इंडिपेंडेंट है, वाई को ऊपर देखता हूं मैं, Y इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। X इंडिपेंडेंट है क्या, X भी इंडिपेंडेंट नहीं है। Z इंडिपेंडेंट है क्या, Z भी इंडिपेंडेंट नहीं है। Y इंडिपेंडेंट है क्या, Y दो बार हो गया, मिस हुआ है उसमें, कुछ मान लो कुछ मिसप्रिंटिंग हो सकता है, यहाँ पे कोई और फिगर भी होगा मान लीजिए, तो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं देखना है। तो हमें कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए होते हैं कि नहीं भैया जी, यहाँ पे मिनिमम 3 की कंडीशन कंप्लाई हो रही है लेकिन 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। तो इस केस में 2/3 इंडिपेंडेंट नहीं है, तो विल हैव टू अपॉइंट डायरेक्टर्स ऐसे जो कि इंडिपेंडेंट है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, मेजॉरिटी हैव द अबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, रीड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियली लिटरेट, मेजॉरिटी नहीं चलेगी। फिर हमें सजेशन में लिखना है मेजॉरिटी नहीं, ऑल द डायरेक्टर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड वन ऑफ हिम शुड हैव अ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्सपर्टीज। तो ऑल शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट एंड नन ऑफ देम में कम से कम एक आपको वैसा अपॉइंट करना होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको सजेशन में फिर लिखना है कि नहीं, ये वाली बोर्ड, ये वाली तो कमेटी नहीं चलेगी और इस तरह की कमेटी होनी चाहिए, और वापस उस तरह का थोड़ा सा रेपिटेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर वंडरफुली सॉर्टेड व्हेन इट कम्स टू सेबी एक्ट, व्हेन इट कम्स टू सेबी एक्ट एंड व्हेन इट कम्स टू एलओडीआर रेगुलेशन। तो ये एक चैप्टर है आपके मॉड्यूल का और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपका वंडरफुली सुप्रीमली सॉर्टेड हो चुका है। क्लियर बेटा जी? और एक
ऐसी चीज कि हमने जो रिवीजन भी किया उसमें अपेक्षा ऐसा है कि आप सब बच्चों का ऐसे रिवीजन रहेगा ऐसे फॉर्म में कि आप उसको कितनी बार देख सकते हैं। तो वैसे तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है दैट यू शुड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी व्हेन इट कम्स टू वेरी नियर टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। बट अगर कभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैनिक सिचुएशन में है, हमारे कोई टॉपिक्स मिस हो रहे हैं, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर इसी रिवीजन को आपने 2x पे देख लिया तो आपका सेबी और एलओडीआर कंप्लीट हो जाता है। दैट इज नॉट वेल रिकमेंडेड बट दैट इज एन ऑप्शन, ऐसा कह रहा हूं, ठीक है ना बेटा जी। चलिए सो we are done with the revision and this thing. अब एक क्वेरी थी 34A को लेके, let's discuss that query. Okay, जैन साहब का एक सवाल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है उसमें 5 इंडिपेंडेंट होने चाहिए और जैसे अब ये लिस्टिंग हो रही है तो उसको भी डिस्कस करें। जी नहीं, तो जैन साहब का ऐसा कहना है कि यहां पे जैसे कि इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और ऐसा, तो हमें उस बारे में डिस्कस करना है क्या? जी नहीं, हमें कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी के बारे में डिस्कशन नहीं करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पे हमसे कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा ही नहीं है, हमसे सिर्फ ऑडिट कमेटी के बारे में पूछा गया। इस क्वेश्चन में फर्दर अगर हमसे पूछते कि बताइए कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी एलओडीआर के हिसाब से है कि नहीं है, तो हम बोलते कि नहीं नहीं इतने इतने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हमको चाहिए, लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं गया। एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए सब हम बताते, लेकिन वो सब हमसे पूछा नहीं गया, हमसे सिर्फ ऑडिट कमेटी पर फोकस करने के लिए बोला गया, तो हमें ऑडिट कमेटी के बारे में आंसर करना है। बट इट डिपेंड्स एक्चुअली एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका हमेशा पेपर कंप्लीट हो जाता है एंड यू हैव इनफ टाइम, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। बट इफ इट ऑल यू आर अ स्टूडेंट के सर एकदम नेक पे चलते हैं हम, तो एकदम बस खत्म ही करते हैं, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, जो एंड में क्वेश्चन है टू द पॉइंट में क्वेश्चन को आंसर करना है। क्लियर है? क्लियर है कह रहा हूं, क्लियर है क्या कह रहा हूं मुझे बताओ। यस यू विल, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए, सो यार एक छोटा सा डाउट था, क्वेरी था लास्ट रिवीजन सेशन के एंड में 34A को लेके, सो लेट्स रैप अप दैट क्वेरी एंड देयरआफ्टर आगे बढ़ेंगे यार, देयरआफ्टर द सेशन वुड बी ओवर। 34A के बारे में बात करते हैं, तो आपके लिए 34A पे मैं कुछ लेकर आया। चलिए यार, लेट्स डू दैट क्रिस्टल क्लियर। क्या बात है यार, ओफो कहां है वो? Yes, 34A, अब बहुत आसान सा है बट आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया तो उसको क्लियर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, फोकस यू 34A पे, ये टॉकिंग अबाउट 34A, समझो, समझना अच्छे से 100% फोकस ऑन द स्क्रीन कि व्हाट हैड हैपेंड, अंडरस्टैंड कि सेबी वॉज कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर अथॉरिटीज एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर अथॉरिटीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो सेबी क्या कर रहा था, इंडिया के बाहर इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा था जहां पे भी कोई अथॉरिटी मांग रहा था और इंडिया के बाहर से इन्फॉर्मेशन मांग भी रहा था। फॉर एग्जांपल SEC, जैसे कि इंडिया में सेबी है वैसे यूएस में SEC है, तो अगर सेबी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो SEC से मांग रहा था और SEC को इन्फॉर्मेशन मांग रही तो सेबी दे भी रहा था, कोऑर्डिनेशन कर रहा था मस्ती से, ठीक है, ये एक चीज सेबी कर रहा था। फिर सेबी वॉज डूइंग सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिविल प्रोसीडिंग एज वेल, सेबी सेटलमेंट का काम भी कर रहा था, सुनना अच्छे से, सेबी दूसरे रेगुलेटर्स से इन्फॉर्मेशन लेना देना भी कर रहा था और सेबी सेटलमेंट का काम भी कर रहा था मस्ती से, ठीक है, अंडरस्टैंड, मस्ती से कर रहा था। लेकिन लॉ में कहीं पर भी ये चीज एक्सप्रेसली अलाउड नहीं थी, इट वॉज ऑब्वियस कि हाँ कर सकता है, उससे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हो रहा है, वंडरफुल, बट लॉ में एक्सप्रेसली कहीं पर अलाउड नहीं थी। लेटर ऑन सेबी अमेंडेड द रेगुलेशन, लेटर ऑन सेबी के जो रेगुलेशन थे वो अमेंड किए गए एंड मेड प्रोविजन अलाउइंग सेबी टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड गिव इन्फॉर्मेशन टू अदर अथॉरिटीज एंड प्रोविजन फॉर सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स वर ऑल्सो मेड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि सेबी पहले से भी इन्फॉर्मेशन देना लेना कर रहा था, ठीक है, सेबी पहले से भी सेटलमेंट कर रहा था, लेकिन सेबी एक्ट में कहीं पर भी वो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे, राइट, सेबी अपने पावर्स यूज करते हुए वो कर रहा था। फिर सेबी एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और एक्सप्रेस प्रोविजन लिखे गए, जैसे कि हमने सेबी एक्ट में पढ़ा भी है कि सेबी बाहर से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, राइट, सेबी सेटलमेंट कर सकता है। अब सवाल ये आया, सुनो, व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस बिफोर द अमेंडमेंट, कि यार ये अमेंडमेंट अब आया है, इसके पहले जो सेबी ने ट्रांजैक्शन कर लिया उसका क्या, फिर तो वो इलीगल है, सेबी पे एक्शन लेंगे। ये अब अमेंडमेंट आया है, नाउ सेबी इज अलाउड टू डू सो, इट मींस पहले अलाउड नहीं था, सेबी के ऊपर एक्शन लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस चीज के क्लैरिफिकेशन के लिए 34A लाया गया। 34A में क्या लिखा है, देखो मैं थोड़ा साइड में हूं, 34A में क्या लिखा है, सेक्शन 34A सेज दैट ऑल अर्लियर ट्रांजैक्शन शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड एंड इफेक्टिव एज इफ द अमेंडमेंट्स मेड टू द प्रिंसिपल एक्ट हैज बीन हैड बीन इन फोर्स एट ऑल मटीरियल टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। क्या लिखा है यहां पे,
यहां पे लिखा है, अरे यार वो अमेंडमेंट के पहले वाले प्रोविजन का क्या होगा? इन्होंने कहा कि सारे जो अमेंडमेंट के पहले के एक्ट भी है, दे विल बी वैलिड एंड इफेक्टिव एज इफ इट वॉज दिस अमेंडमेंट वॉज ऑलवेज अ पार्ट, एज इफ द अमेंडमेंट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द मेन एक्ट. I hope you're understanding 34A. 34 is validation of certain act. तो जो act सभी ने पहले कर लिए थे, बाद में amendment ने सभी को power दिया था, तो इसके लिए एक 34A section लाया गया, validation of certain act, कि जो act उस amendment के पहले भी सभी ने किए, ऐसा माना जाएगा कि वो सारे acts valid हैं, और ये amendment ऐसा माना जाएगा कि हमेशा principal act का एक part था. I hope you are understanding. आपको मैं section दिखाता हूं अगर. Yes. ये सेक्शन देखिए एक बार क्या लिखा है. एनी एक्ट और थिंग डन और परपर्टिंग टू हैव बीन डन अंडर द प्रिंसिपल एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म फर्निशिंग टू अदर अथॉरिटीज वेदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया हैविंग फंक्शन सिमिलर टू दोस ऑफ द बोर्ड, हमारे जैसे दूसरे रेगुलेटर्स हैं उनके साथ में, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट शेल For all purpose be deemed to be valid and effective as if the amendments made to the principal act had been enforced at all material time. कि ये सारे जो actions सभी ने पहले भी लिए, validation of certain acts, इन सबको valid and effective बोला जाएगा, जैसे कि amendment हमेशा से principal act का part था. मैं आशा करता हूं कि आप सबके दिलो दिमाग में provision अच्छे से बैठा हुआ है, कोई confusion की बात नहीं है. Okay? Yes, 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 wonderful. So here we stop. We are done with the entire quick revision of SEBI Act, LODR, passive questions discussed, and everything is done and dusted. Now I expect you all to score the best possible marks in securities law. Okay? So that'll be all from my end today. And the next topic we're going to hit is Arbitration and Conciliation Act. Okay? So I'll see you people tomorrow with a fresh topic. Thank you so much for your nice patience. I'll see you tomorrow. Bye-bye.